हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, दुआ, सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश। स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल। प्यारे साथियों, और दिनों की भांति ही जैसे ही रात के 9 बजते हैं, मैं और पूजा मैडम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। पिछले कई दिनों से पूजा मैडम हमारे साथ हैं और उन्होंने लगातार हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मैडम जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा इंतजार इसी क्लास का रहता है क्योंकि इस क्लास में आके ना बहुत अच्छा लगता है। एक तो साहित्य की क्लास है, तो साहित्य से एक अलग ही मतलब कि बच्चों का जुड़ाव है, हमारा जुड़ाव है। और आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल मैडम, एक तो सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र तो आप हैं कि समय निकाल कर हमारी क्लास में आ रही हैं और अपना लिया है क्लास को आपने बहुत अच्छी तरीके से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैडम हम क्या पढ़ने वाले हैं आप ही बताइए, और साहित्य दर्शन में आज हम किसका दर्शन, कौन सी कहानी का दर्शन करने वाले हैं? आज हम परिंदे कहानी की तरफ रुख करेंगे। निर्मल वर्मा की कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है और हो सकता है किसी स्टूडेंट ने पहले पढ़ी हो, किसी ने नहीं भी पढ़ी हो, लेकिन आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और सर कल की कहानी तो क्या मजेदार थी, मतलब लाल पान की अरे भाई, कल की कहानी तो यार, आप लोगों ने अगर कहानी नहीं तोड़ी है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। हमारी पूरी सीरीज चल रही है यूनिट नंबर 7 की, जिसमें सभी कहानियों को हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। आज हम आप एक काम करना, हाँ, इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनवा देना कहानी वाली। बिल्कुल, आज हम निर्मल वर्मा की परिंदे पढ़ रहे हैं। प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी आ जाइए, और जो इस क्लास को बाद में देख रहा है लाइव सेशन के बाद में, भाई साहब दरबार में सब लोग हाजिरी लगा के जाया करो। कमेंट करके एक बार अपना चिन्हित किया करो, भाई हम आ गए हैं गुरुदेव क्लास देखने के लिए। कमेंट जरूर किया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो, भूल जाते हो आप लोग। हाँ बिल्कुल साथियों, आ जाइए फटाफट से। आज हम परिंदे पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है आप लोगों के लिए। मतलब निर्मल वर्मा की परिंदे, यार स्कूल में पढ़ी है ना, मैडम ये कितनी प्यारी कहानी है ये साथियों। जब हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब पता लगेगा आपको ये कितनी, ये मतलब कितनी आत्मीयता भरी है इस कहानी के अंदर। चलिए कुछ हम पहले निर्मल वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका क्या कृतित्व है, और उसके बाद में हम रुख करेंगे हमारी कहानी का। तो सबसे पहले हम निर्मल वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं, उनका प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, कहाँ जन्मे, कैसे उनकी मृत्यु हुई, इन सब के बारे में। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि मेरी और पूजा मैडम की नियमित रूप से अनअकैडमी पर क्लास होती है। भाई यूट्यूब पर आप लोग इतने सारे लोग वीडियो को देखते हो, अनअकैडमी पर जाके फ्री क्लास ही देख लो, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। अरे मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप पैसे नहीं लगते हैं, अनअकैडमी पर भी स्पेशल क्लास फ्री होती है सबके लिए। क्यों मैडम जी? तो मेरी क्लास होती है डेली 10 बजे। जेआरएफ तांडव चल रहा है मैडम, अपना जेआरएफ तांडव, लड़कों की भीड़ लगती है चेलों की तांडव में, भोले बाबा का नाम लेकर। कल हम स्पेशल में भी कुछ अच्छी स्पेशल क्लास रखते हैं बच्चों के लिए दिन में। हाँ उसकी बिल्कुल बिल्कुल मैडम रखते हैं, उसकी टाइमिंग में अभी क्लास में आगे सभी स्टूडेंट्स के साथ बता दूंगा। प्यारे साथियों, 30 दिन की रणनीति के साथ चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? 30 दिन की रणनीति के साथ चल रहे हैं क्लासेस, हिंदी साइंस की भी, और मतलब तांडव है एक तरीके से। पेपर वन में आपको अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं 10 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे कहने से एक बार अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और कल आ जाओ क्लास में। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, गोल सेलेक्ट करो, कल क्लास में आ जाओ 10 बजे। मैं मैथ प्लस रीजनिंग का रिविजन कराने जा रहा हूं। जी हाँ साथियों, मैथ और रीजनिंग का कल मैं रिविजन करवा रहा हूं आपको। तो और अभी प्रॉब्लम हो रही बीच बीच में। नहीं नहीं, आवाज तो मे बी ठीक आ रही होगी, स्टूडेंट्स को तो आ रही है ना सबको? आई थिंक अभी देखिए आप, अभी ठीक है अभी। ओके तो पेपर वन और पेपर टू की संपूर्ण तैयारी के लिए आपको अभी क्या मिल रहा है साथियों? 2 महीना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है अगर आप प्लस क्लास की तरफ जाते हो तो। चलिए अब हम निर्मल वर्मा जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर आपको सारी चीजें समझाएंगे। प्यारे साथियों, निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। आप इस समय देख पा रहे होंगे भाषा उनकी हिंदी थी। उन्होंने बहुत सारी विधाएं लिखी, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। अच्छा एक मैडम, जो अपना ये प्रयोग है नया जिसमें हम लोग
कहानी पढ़ाने से पूर्व लेखक का परिचय देते हैं। ये अंदाज कैसा है, ये आइडिया कैसे काम कर रहा है आपका, ये बताइए। ये बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, क्यों नहीं है माफ करना सर, कोई बात नहीं, नहीं है क्योंकि मेरे मन में ना कोई ख्याल बैठा है कि हम कवि दर्शन सीरीज चलाएंगे, उसमें बहुत डिटेल में एक एक कवि को पढ़ाएंगे, लेकिन ये आइडिया भी बहुत अच्छा है क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं पता कि इस कहानी के लेखक कौन है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया तो यहाँ पे मिल ही जाता है। तो आइडिया बहुत अच्छा है, माफ करना मैं आपको इसलिए कह रही थी ताकि आप उस सीरीज को जल्दी से चलाए, तो मुझे उस सीरीज का बहुत ज्यादा इंतजार है क्योंकि उसमें तैयारी इतने अच्छे लेवल पर हो जाएगी ना, रचनाओं के नाम याद होते जाएंगे और अच्छी अच्छी पंक्तियां याद होती जाएंगी, कवि का परिचय याद होता जाएगा और एक तरीके से साहित्य कवर होता जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी करेंगे। आप लगाए, आप कमेंट करें, आप लिखे जो बाद में क्लास देखना चाहते हैं वो, हाँ। कि आप कवि दर्शन सीरीज पसंद करेंगे कि नहीं, उसी हिसाब से सर लॉन्च करेंगे। मैं तो बहुत ज्यादा चाहती हूँ कि ये सीरीज जल्दी से हम स्टार्ट कर दें। हो सकता है कि हम अगस्त महीने के स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे उस सीरीज को, हो सकता है कि अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो नहीं भी करें, तो बताएं कमेंट करके कि आप चाहते हो या नहीं। ठीक है प्यारे साथियों, ये मेरा समर्थन करते हो कि नहीं इस बात के ऊपर? भाई सब आपका समर्थन करते हैं, सब समर्थन करते हैं। देखो इसका उद्देश्य है कि थोड़ा सा परिचय हो जाए भाई, उनका क्या कहाँ जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये सब चीजें इतनी देखनी थी। ठीक है साथियों, तो उनको काफी ज्यादा सम्मान मिला है, इसके बारे में हम क्लास के लास्ट में भी और बात कर लेंगे। ये निर्मल वर्मा जी का परिचय है। अब अनअकैडमी की कुछ जरूरी चीजें देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमारे यहाँ पर 2 मंथ का बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको PDFs की जरूरत है, किसी प्रकार के PDFs नोट्स वगैरह चाहिए तो ज्वाइन कर दीजिए टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये हमारा ऐप है। देखो भाई, मेरे कहने से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, निःशुल्क है, कोई फीस नहीं लगती है। डाउनलोड करो अनअकैडमी का चैनल, वहां पर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करो, पूजा कुमार मीणा के नाम से सर्च करो, हमको फॉलो करो, देन उसके बाद में हमारी फ्री क्लास देखना शुरू कर दो। रोज 10 बजे होती है Paper 1 की, और हिंदी भी हो रही है, तो कल 10 बजे की आओ, उसमें सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। और जो साथी प्लस ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन करो, लॉकेस 11 या पुलकी 10 कोड का प्रयोग करके 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ओके, ज्यादा फीस नहीं है, बहुत नॉमिनल सी फीस है, 12 महीने 6 महीने का कोई एक प्लान चुन सकते हो आप। ठीक है, क्रेडिट कर सकते हो, डेबिट कार्ड EMI UPI से आप पेमेंट कर सकते हो। चलिए साथियों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ भी आप जा सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की खास बात है पर्सनल कोच जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ओके साथियों, चलिए आज हम अब हम कहानी की तरफ रुख करते हैं प्यारे साथियों। निर्मल वर्मा की बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे बहुत प्यारी कहानी लगती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है मैडम ये कहानी। सभी बच्चे को दिख रहा है स्क्रीन इस समय? आपको नहीं दिख रहा स्क्रीन? ठीक है, बच्चों को दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम उसका फिर से इंतजाम कर देते हैं। क्या आपको अब दिख रहा है मैडम? क्या दिख रहा है? थैंक यू। ओके, शुरू करें कहानी देव प्रभु का नाम। कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल अभी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य। क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी ले प्रभु का नाम। तो आ जाए वही सभी, यार ये सारी कहानी मैं आपको स्पेशल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, एक बार फिर से ठीक है, मेरी सीरीज चल रही है वहां पे ऑलरेडी। चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कहानियां क्या है, चलिए मैडम आप शुरुआत करती हैं हमेशा की तरह ही, और शुरुआत कर दीजिए। क्या बात है जी, मुझे मौका दे दिया शुरू करने का। तो कहानी को शुरू करने से पहले जरा मैं कुछ बोलना चाहूंगी, थोड़ा सर नीचे करें एक नीरा आप। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ तो देखो, हम कहानी को स्टार्ट करते हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले आप एक चीज अपने माइंड में सेट कर लो कि एक कहानी आपको भी बनानी है, एक कहानी आपको भी लिखनी है, एक कहानी आपको भी जीनी है। तो एक कहानी का नायक या नायिका आपको भी बनना है। अब जरूरी नहीं है कि वो कहानी प्रेम पर आधारित हो, जरूरी नहीं है वो कहानी शिक्षा पर ही आधारित हो, जरूरी नहीं है कि वो कहानी मतलब एक ही टॉपिक को लेकर हो, कहानी अलग अलग टॉपिक को इंडिकेट करती है।
अलग अलग टॉपिक के ऊपर है, तो जब भी कहानी पढ़े ये पॉइंट अपने मन में लाए कि एक कहानी मेरी भी बनेगी और लोग उस कहानी को याद करेंगे। चलो पढ़ेंगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन सुनेंगे और याद करेंगे और कहेंगे कि वो उसकी ये कहानी थी। ठीक है, तो एक मिसाल बनो सबके लिए और अपनी कहानी को खुद बनाओ। आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका छिटक गई। तो लतिका पहला पात्र का नाम आ चुका है, कौन? लतिका। लतिका बिल्कुल। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका छिटक गई, दीवार का सहारा सर हटाए इसको ये क्या हटा दिया दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। दीवार का सहारा लिया और लैंप की जो बत्ती है उसको और बढ़ा दिया। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति में खींचने लगी। 7 नवंबर, ठीक है, माफ करना, 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लड़कियां जब बात करती है, हंसती है, खिलखिलाती है, तो आसपास सबको तो सुनाई देगा ही, क्योंकि उसका हंसना ठिठकना सबको सुनाई देता है, ठाके लगाना। लतिका ने दरवाजा खटखटाया, चोर अचानक से क्या हो गया दोस्तों, बंद हो गया। कौन है, इस तरीके से आवाज है। लतिका चुप खड़ी रही कमरे में कुछ देर के लिए, घुसुर पुसुर होती रही। घुसुर पुसुर का मतलब काना फूसी, मतलब धीरे धीरे, कौन है, क्या है, कैसे आ गई, क्यों आई है, इस तरीके से। तो लतिका चुप खड़ी रही कमरे में कुछ देर तक, घुसुर पुसुर होती रही, फिर दरवाजे की चिटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी, लैंप की झपकती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोज अप की भांति उभरे लगे। ऐसा कैसा लगा दोस्तों कि उसके ऊपर ये दिख रहे हैं चित्र। कमरे में अंधेरा क्यों है, क्यों कर रखा है, लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आवाज था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम, यह सुधा का कमरा था इसीलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। मतलब पूरी लड़कियां अपना अपना कमरा छोड़कर उसी के कमरे में आ जाती थी। अच्छा, किसके कमरे में आ जाती थी जरा बताना? सुधा के कमरे में। किसके कमरे में? यहाँ पे सुधा एक पात्र है, सर इसको मार्क करें। ये सुधा का कमरा था और सुधा ने उत्तर दिया क्योंकि आज वो ज्यादा पॉपुलर थी और सारी लड़की उसी के कमरे में धीरे 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 आ जाती थी। बिल्कुल साथियों, ये बिल्कुल साथियों, रुक जाइए मैडम, लगा बिल्कुल साथियों, ये हॉस्टल। हाँ हाँ बताइए। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता था। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? करीमुद्दीन भी एक पात्र है यहाँ पे। कितनी बार कहा मैडम, उसे याद रहे तब तो। तो ये कहानी हॉस्टल जीवन के ऊपर आधारित है, बाकी सर आपको बताएंगे। बिल्कुल साथियों, लतिका इसकी नायिका है, जैसा कि एक छात्र ने नीचे बताया है। अब इसको जैसे जैसे आप कहानी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कहानी में आपको रोचकता नजर आती रहेगी। जैसे आपने पढ़ा, कहानी पढ़ना शुरू किया, ये हॉस्टल लाइफ है। आप भी कौन कौन हॉस्टल में रहे हैं एक बार कमेंट्स करके बताइए, या फिर हॉस्टल डेज नाम की कई वेब सीरीज भी आई है मार्केट में, आप उनको देख लेना, आपको हॉस्टल की लाइफ का बारे में आपको पता लग जाएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा प्यारे साथियों। तो हॉस्टल की लाइफ बड़ी शानदार होती है, बड़ी जानदार होती है, हर प्रकार से खुलकर रहती है। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने लैंप जला रखा है, चिमनी जला रखा है, लेकिन जो करीमुद्दीन है वो उनको तेल के लिए नहीं डांटता, भाई तुम सोई क्यों नहीं अभी तक, तेल जल रहा है, क्योंकि मिट्टी के तेल से यह सब काम इस समय हो रहा है प्यारे साथियों। चलिए आगे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में हम मैडम को मौका देंगे। अभी मुझे पढ़ने दो सर। ठीक है, तो आगे देखिए। कमरे में हंसी के फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। तो देखो, लतिका यहाँ की नायिका है, करीमुद्दीन यहाँ का नौकर है, ठीक है। इसके साथ साथ ही सुधा एक लड़की है जो काफी अपनी दोस्तों में पॉपुलर है, जिसके कमरे में सब बैठकर गपशप लड़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक 3 पात्रों का नाम ही आया ना सर अभी? बिल्कुल, करीमुद्दीन, सुधा और लतिका। लतिका आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, आसपास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वे
उन्हें पहली बार देख रही थी। तूली अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? एक लड़की का नाम और आया है जिसका नाम क्या है, जूली। और जूली बहुत पॉपुलर नाम था, पहले एक मूवी भी थी शायद जूली नाम की। जूली जूली वो गाना भी तो है, काफी आगे बढ़ा दिया एक मिनट। हाँ बस हाँ, तो क्या कहा कि इस ब्लॉक में अभी तक तुम क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीचे कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली चुप जाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसीलिए आज रात हम सबने मिलकर और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। किससे कहा ये सब? लतिका से कहा है। तो दोस्तों ये हेमंती एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट यहाँ पे सुधा है और एक स्टूडेंट कौन है, जूली है। तीन स्टूडेंट के नाम आए, एक लतिका का नाम आया, एक करीमुद्दीन का नाम आया। अब सर को मौका दे देते पढ़ने का। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप जैसे जैसे इस कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे कॉपी पेन में पात्रों के नाम नोट करते जाइए ताकि आपको कहानी को समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये कहानी अगले 2 घंटे तक चलने वाली है, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबी कहानियों में से एक कहानी है साथी हुए। तो आप इसके पात्रों को जरूर से नोट करके रखिए और मेरी आवाज़ के बारे में बताइए, क्या मेरी आवाज़ एकदम क्रिप आ रही है, स्पष्ट आ रही है तो कमेंट्स करके बतलाइए, क्या मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है तो आप कमेंट्स कीजिए। प्यारे क्लियर आ रही है, गुड गुड, फिर ठीक है क्योंकि मैं नहीं सुन पाता ना मेरी आवाज़ को। लतिका को उलझन मालूम हुई, इस समय यहां आकर उसने इसके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर साथियों, कहां है हॉस्टल, हिल स्टेशन पर है, पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, यानी काफी समय हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दियों की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है उसे याद तक नहीं था। यानी समय कब गुजर गया, ऐसे ही चुटकियों बजाते ही मतलब समय एक तरीके से गुजर गया हो। चारों तरफ चुपचाप वह देरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने चलो। स्नोफॉल में जहां बर्फ गिरती है साथ उसको कहते हैं स्नोफॉल। कोई नहीं ठहरेगा मैडम, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, मतलब मैडम आप छुट्टियों में घर नहीं जा रही। सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। किसकी तरफ? मैडम की तरफ। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल, आई लव नव द स्नोफॉल, मुझे बर्फ के गिरने से बड़ा प्यार है। तो सर लतिका कह रही है लड़कियों से कि तुम कोई भी नहीं रुकोगी क्या मेरे साथ स्नोफॉल देखने के लिए? तो फिर वो कह रही है कि मैं घर जाना मेरा पक्का नहीं है क्योंकि मुझे स्नोफॉल बहुत पसंद है। और आप में से किस किस को पसंद है भाई स्नोफॉल? हर किसी को पसंद होगा। और मैंने सुना है कि सर भी जा रहे हैं कहीं देखने स्नोफॉल। अभी ऊपर गया सर, थोड़ा नीचे करे। नहीं नहीं मैंने सही लिया है, अब कोई बात नहीं है, चलिए। हाँ नहीं नहीं लिया, निकल गई पंछी। हाँ, जी लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी और शायद पिछले से पिछले साल भी यही बात कही थी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही है, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर टकराने लगा, मानो बादलों का साय झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबो लेगा। फिर थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉग में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल गुड नाइट, लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। आगे वो क्या कहती है जूली से कि जूली जब भी तुम अपने ब्लॉग में जाओ, क्योंकि लड़कियों के अलग अलग ब्लॉग रहते, कोई सी ब्लॉग में, कोई बी में, कोई डी में, जूली का ब्लॉक अलग था, इसीलिए लतिका ने कहा कि तुम जब भी जाओ मेरे से मिलके जाना। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट, आप भी कहते हो ना ऐसे जब मैं क्लास बंद करती हूँ शाम को तो सारे बच्चे यही कहते हैं गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऐसे। तो वो भी कह रहे गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां न उतर कर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट
हवा के झोंके के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर वह आती थी, मतलब अंदर आ रही थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर रतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगे बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं है, मगर जब अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सब कुछ सोच रहा है, कौन ये सब कुछ महसूस कर रहा है, किसके बारे में ये बातें कही जा रही है? लतिका के बारे में। किसके बारे में? लतिका के बारे में। आगे करें सर, बढ़ाए। प्यारे साथियों, आप लोगों, मुझे, मैं अपने बारे में बताऊं मैडम, ये अब तो यार ये टीवी रेडियो चल गए ना, इसकी वजह से साहित्य को पढ़ना ही नहीं होता। पहले मुझे बहुत ही तगड़ा क्रेज था कहानी पढ़ने का, मतलब इनफैक्ट ऐसा था कि मैं छोटी छोटी बच्चों से उनकी किताब मांगकर कहानी पढ़ता था। मैंने बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत कहानी, और मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी कहानी एक लाडली जो मैंने 2013 में लिखी थी, और चश्मे के पीछे, और एक एक अधूरा एहसास, और इसके अलावा हाँ चश्मे के पीछे, मतलब कई कहानी लिखी है मैंने साथियों, काफी प्यारी, मुझे तो बहुत प्यारी कहानियां मेरी, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट ने पढ़ी भी होगी। मतलब आपकी सारी कहानियां संदेह के घेरे में हैं। हाँ, जब मैं बिल्कुल 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 अधूरे एहसास, लाडली, मतलब की क्या बात है सर, बता दो। हमारा तो कहीं, मतलब स्टूडेंट का, हमारा तो इन कहानियों में कहीं जिक्र नहीं दिखता हमें। चश्मे के पीछे, अधूरे एहसास, क्या बात है। देखो यार, लाडली कहानी बड़ी प्यारी कहानी है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मतलब मुझे बहुत पसंद है लाडली कहानी। आपने मांगा कि मुझे भेज दो, मुझे पढ़नी है, लेकिन आपने मुझे भेज ही नहीं। जब मैं गुस्सा हूँ आपसे सर, और मैं आपकी क्लास में बोलूंगी नहीं, चुपचाप बैठी रहूंगी। देखो प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बतला दूं कि जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो जो मेरा एचओडी था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको मैंने मेरी 3-4 कहानी पढ़ने के लिए दी। जब मैं ना आर्टिकल, गंदे हो आप, मैं कह रही हूं कि मैं गुस्सा हूं आपसे, आप मैडम गुस्सा आपको दे देंगे। नहीं, मैडम, आप मेहमान को, हम क्योंकि सभी बच्चे अपने ही है, तो प्यारे साथियों, हम नाराज नहीं करेंगे। मैं आपको बात अभी मेरी है कि मुझे आपकी कहानी पढ़नी है। तो मैडम, मैं आपको कहानी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीडीएफ भेज दी जाएंगे, या फिर आपको मैं किताब का फोटो खींच कर भेज दूंगा। प्यारे साथियों, मैंने 2015 के आसपास मेरे जो एचओडी थे, जब मैं एक्चुअली क्या कि मैं पहले कहानी लिखने लग गया, जब बहुत कहानी पढ़ता है ना आदमी तो कहानी लिखने लग जाता है, तो मैं कहानी लिखने लग गया। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं आर्टिकल बहुत ज्यादा लिखता, आर्टिकल तो मैं अभी भी लिखता हूँ, फिर मैं आर्टिकल लिखने लग गया। तो 2015 की बात है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था, पीएचडी में न्यूली एनरोल हुआ था, तो मेरे जो एचओडी थे उनको मैंने अपनी कहानी पढ़ने के लिए दी थी। तो जब उसने पिछले 5-6 दिन बाद में मुझसे कहा, मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और कहा कि लोकेश यार, तू क्रांतिकारी तो है छोरे, लेकिन तेरी कहानियों में ना तेरी उम्र झलकती है। उसने ये कहा कि तेरी कहानियों में तेरी उम्र झलकती है। उन्होंने ये क्यों कहा प्यारे साथियों, ये इसलिए कहा था क्योंकि मेरी जो कहानियाँ थी, जितनी मैंने लिखी थी, चाहे वो एक अधूरा एहसास हो, वो भी प्रेमी प्रेमिका की कहानी थी, इसके अलावा एक चश्मे के पीछे, ये भी कहानी, और लाडली, ये मतलब ये सभी कहानी ये प्रेम की, हाँ ये प्रेम के ऊपर बात थी, ये पूरी सारी बात प्रेम की थी साथियों। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी कहानियों में तेरी उम्र झलकती है। तो काफ़ी देखो, प्रयास शुरू से ऐसे ही होते हैं, चाहे आप कैसा भी प्रयास करो, पर आपको करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने यार बहुत कहानियां पढ़ी हैं, प्रेमचंद जी तो ढूंढ ढूंढ के पढ़ डाला है, और मैंने बहुत उपन्यास कहानियां काफी पढ़ी है, अब पढ़ते जा रहा हूं। और मुझे पता है इस सीरीज को चलाने का एक्साइटमेंट क्यों है, क्यों है एक्साइटमेंट? क्योंकि हम कहानी टीवी में, मोबाइल में इतना फंस गए कि हमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया है। और इस सीरीज की भांति, साहित्य दर्शन सीरीज की भांति, मैं मुझे ना कहानी पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है यार, सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर हमको उपन्यास पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। नहीं, ऐसी इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इन मोबाइलों ने जिंदगी ना हराम कर दी है। इन मोबाइलों में लगे रहते हैं, टीवियों में, लैपटॉप में लग जाते हैं ना, तो कहानी पढ़ना या लिटरेचर पढ़ना छोड़ दिया हम लोगों ने। तो इसके बहाने से ना हम कहीं ना कहीं हम लिटरेचर को पढ़ लेंगे। ओके, ये आइडिया किसने दिया था, ये भी पूछ लो। ये सर को आइडिया मैडम ने दिया था साथियों। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं
सर ने आपको एक दिन एक वीडियो में ये भी बताया था कि कहानी कैसे लिखे, हाँ मुझे याद आ गया। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपके सर ही कहानी लिखते, हम भी कहानी लिखते, हम भी कविताएं लिखते, हम भी लेख लिखते। तो ज्यादा झुकाव सर की तरफ मत रखो, हम मेहमान है, हमारी तरफ भी झुकाव रखिए, ठीक है। और आपको लाडली कहानी पढ़नी है तो हम पढ़वा देंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है। भाई साहब अब तो टेंशन लेंगे नहीं, जब मैडम ने ठेका ले लिया है तो क्या दिक्कत है, जब मैडम हाँ ने बोल बिल्कुल, दिया है आपकी कहानी को पढ़वा देंगे। क्या बात है, चलो ठीक है ओके, तो किसी दिन डालेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए मैडम। आप ही पढ़े, सीढ़ियों पर बिल्कुल अच्छा बातचीत का है। स्वर सुनकर आपको क्लास चलती हुई क्लास में सारे बच्चे तो आपसे निवेदन करेंगे, तो फिर आपका आपकी जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी और हम आपको कहानियां भेज देंगे। ये बच्चों से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो बच्चों से गुस्सा हुई ही नहीं, मैं तो आपसे गुस्सा हूँ क्योंकि ओके साहब, आपने मुझे कहानी नहीं दी, मुझे आज याद आया 2 साल में। प्यारे साथियों, सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोने से जगी। प्यारे साथियों, सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी, साल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी भी हुमबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था। अब एक ही बात पर गौर करिए साथियों, यहां से आगे, सीढ़ियों पर अंधेरा था और हुमवर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने दो चार सीढ़ियां उठकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर, थैंक यू मिस लतिका, और हुमवर्ट केस मैं सही उच्चारण कर रहा हूं मैडम इसको वर्ड आप है? सही कर रहे हो, हाँ सही कर रहे हो, व्यू ओके वर्ड है। ओके, स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांस तेज हो रही थी और दीवार से लगे हुए हांफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उसके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। प्यारे साथियों, मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जितनी भी इस समय बात आप सुन रहे हो ये एक हिल स्टेशन की बात है। क्या साथियों? एक हिल स्टेशन पे एक हॉस्टल है, वहां पर कुछ लड़कियां हैं और उनकी एक मैडम है जिसका नाम है लतीका। और सर्दियों की छुट्टी शुरू हो गई है, सारी लड़कियां अब अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन जो उनकी शिक्षिका थी लतीका वो घर नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही, इसका ना हमको पता ना आपको पता, धीरे धीरे इस कहानी में आपको आगे पता लगेगा। और वो कई वर्षों की बात ही, इस सर्दियों में भी यहीं रुकने का वो मन बनाती है। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। यहां अकेली क्या कर रही हो मिस लतीका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। मैं पढ़ती हूँ जी यहाँ पे, ये जो व्यू वर्ड है ये डॉक्टर है और वो कहते हैं कि यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका। डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई, चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मतलब कि डॉक्टर कोई अलग है, ह्यूबर्ट अलग है। अभी देखो आगे पता चलता हाँ जाएगा हाँ धीरे हाँ हाँ धीरे। हाँ हाँ मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आए थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोपा और विस्की, चाय को विस्की, कंपोजिशन बजाएंगे। टाइकोविस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी। मतलब कि क्रीम डाल के कॉफी बनाई जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए थे उन्हें हम सब मिलकर कंफेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी है, देखो दोस्तों डॉक्टर का नाम मुखर्जी है, ये मुखर्जी होना चाहिए, मुखर्जी लिखा है, पता नहीं मुखर्जी भी होगा, ठीक उस समय शायद है। वहां रीजनल लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हो। हाँ, रीजनल लैंग्वेज में मुखर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे यू वर्ड अलग है और डॉक्टर मुखर्जी अलग है। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर मुझे माफ करे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कौन कह रहा है ऐसा? लतीका कह रही है। चलिए ये ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतीका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बरमी के
आधे बर्मी थे कौन डॉक्टर, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे, इसीलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में भी एक कमरा रहने को दे दिया गया था। कुछ लोगों का सर ऊपर निकाले मुझे दिख नहीं रहा, एक सेकंड मैं करता हूँ, एक सेकंड मैं करता हूँ। हाँ जी ले गया ये रहे ना अगली पंक्ति, ये रही ना बातों के दौरान ये हाँ। एक मिनट, कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा के आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जब वो बर्मा से आ रहे थे तो रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। डॉक्टर कौन है, डॉक्टर मुखर्जी, ठीक है, और उनके साथ में जो आया है वो है ह्यूबर्ट, और ये बात किससे चल रही है, मिस मालती से चल रही है, ठीक है, मालती से या लती, माफ करना मुझे वो डॉक्टर मेहता और मालती याद आ रहा है, लतिका से, जी 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 लतिका से बात चल रही है, मालती से नहीं चल रही मेरे, पता नहीं कैसे वो जहन में आ गए क्योंकि वहां पे वो भी डॉक्टर रहती है ना वो सर, तो मिस्टर नहीं, मालती नहीं, रहती है गोदाम में और लतिका वो छोड़ो वो प्रोफेसर रहते हैं आगे, डॉक्टर अक्सर कहा करते थे मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती, उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे क्षण अपनी गंभीरता को दूर फेरते हुए वे हंस पड़ते, एक सूखी भूजी हुई हंसी, ऐसी हंसी जो जबरदस्ती लाई जाती है चेहरे के ऊपर। तो सर आज आपने पीपीटी नहीं पीडीएफ बनाई है जी, आप बिल्कुल साथियों, ठेलते हुए हंसी पे एक सूखी भुजी हंसी उनके चेहरे पर आई। होम सिकनेस, सिकनेस की ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। बीमारी का नाम क्या है साथियों, ध्यान से देखना, बीमारी का नाम है होम सिकनेस, होम सिकनेस बीमारी का नाम है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई, क्या साथियों, छत पर मेज और कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में काफी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहां पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा। क्या साथियों, अभी तो वहां पर लाइट नहीं है जैसे कि जिस भी हिल स्टेशन की बात हो रही है, लेकिन वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि यार अगले 2-3 साल में यहां पर लाइट वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी। डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप बुझाते हुए कहा, ये बात कही कि उसे बुझाते कि यार अगले 2-3 साल में यहां पर लाइट वगैरह इंतजाम हो जाएगा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं कि यहां पर लाइट लग जाएगी। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। और ये ह्यूबर्ट ने कहा, क्या साथियों, ह्यूबर्ट ने कहा, वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की तरफ देख रहा था। क्या साथियों, बाहर लॉन की तरफ वह देख रहा था। आगे देखते हैं, लतिका कमरे में दो मोमबत्तियां ले आई, जो लतिका है वो कमरे में दो मोमबत्ती लेकर आ गई, मेज के दोनों सिरों से टिकाकर उसने क्या किया, उनको जला दिया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा, मतलब मोमबत्ती का जो उजाला है वो अंधेरे को अपने अंदर समेटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी, हवा में चीड़ के वृक्षों की साये साये दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी, अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी, खुश्की सी महसूस होने लगी। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा। सर, सिगार से कुछ याद आया आपको, मुझे सिगार से वो स्वर्ग मूवी याद आई जिसमें वो पीते ना, उसके वो साफ रहते वो सिगार। तो डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का फौरक धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या ये जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने, और ह्यूबर्ट ने ये सब बातें कही थी। किसने दोस्तों, ह्यूबर्ट है।
आगे देखो, डॉक्टर को फादर एलमंड का एक आंख नहीं सुहाते थे, बिल्कुल पसंद नहीं थे उनको प्यारे वो। साथी, इंपॉर्टेंट जबकि लाइन है ये, ध्यान रखना। डॉक्टर को फादर अलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे, मतलब पसंद नहीं थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगी, काश मेरे और सर के सामने भी होती अभी। हर साल स्कूल बंद होने के सर सोच रहे होंगे मैडम को पता नहीं क्यों कॉफी इतनी चाय पसंद है, सर को बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए उनको ख्याल नहीं आया होगा मुझे आया। लतिका नहीं, कॉफी पे पीता हूं, चाय कुर्सी का इतना पर नहीं है मुझे, कॉफी का है। ओके लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही दो प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। वाह, डॉक्टर बार में बैठे थे, बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ मोस्ट है लाइन, देर तक लाइन मोस्ट है क्या सर? साथियों, लाइन मोस्ट है, क्वेश्चन हाँ, बनते हैं यहां से। कुछ देर तक विलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वे वापस बार की ओर आ रहे थे तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, ये मेजर ग्रीस नेगी है। विलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। सर आप ऐसे निकालते हो कि कुछ दिखता ही नहीं। वे वह दबसा किसी गया था। किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया। कॉफी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई थी। कब ये मैं वो याद कर रही है पिछले साल को, और वो कॉफी डालते डालते याद कर रही है, और ये बात याद करके लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की कुछ बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई थी। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उन्हींदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंकों से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत में भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। तो जो यूपी की रोडवेज जा रही थी, भाई कौन से राज्य का जिक्र हो रहा है? बड़े खुश हाँ, होंगे सब लोग कि हमारे यहाँ का यूपी जिक्र हो वाले, रहा है। बिल्कुल प्यारे साथियों, ये जो भाई कहानी है इसको आप परिंदे, पढ़ना चाहिए। ये परिंदे जो कहानी है, इसमें जो लाल पान की बेगम जैसा तो हास्य नहीं है उसकी तरह तो, लेकिन इसमें एक रोचकता है। आप इस कहानी को अगर धैर्य के साथ लगातार देखते और सुनते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको एक रोचकता आएगी। मैं आपके साथ यकीन से कह सकता हूँ कि जितनी लाल पान की बेगम जितनी पॉपुलर नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलर है परिंदे कहानी, और यहाँ से बहुत अरे सारे बहुत क्वेश्चन बनते मजेदार हैं। कहानी है, धीरे हाँ धीरे 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 उसका सर रिलेट मतलब आएगी इसमें। तो बिल्कुल मैं क्या कह रही थी उससे पहले आपने बोल दिया तो भूल गई मैं, याद जी मैडम। नहीं आ रहा। आप पढ़े सर। हाँ, इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि कौन सी रेजिमेंट के सिपाही वहां थे, ऐसे आपसे कथन पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में, और पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन सी कहानी से इवैक लिया गया है, या फिर वहां पर कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे, ऐसे बीच बीच में से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको धैर्य और ध्यान के साथ इस कहानी को आराम से सुनते हुए जाना है। मिस लतिका इस साल भी छुट्टियों में यहां रहेगी, डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर साहब का सवाल हवा में टका रहा, उसी क्षण पियानो का, सोपा का नॉक नॉकटर्न और ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मिया भंवरों का चिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं दूर, बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदे झुंड नीचे अनजान देशों में उड़े जा रहे हैं, यानी परिंदों के झुंड हैं जो सबसे साथियों। पहले यहाँ पे ये शब्द आया परिंदो, कहानी हाँ का जो नाम है वो सबसे पहले यहाँ पे आया है इसमें। यहां तक हो गया मैडम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कभी कहीं नहीं ले नहीं जा रहे नहीं हो कहीं ले जा रहे हो, पता नहीं। ओके, परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की तरह उड़े जा रहे थे। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरों की खिड़की से उन्हें देखा। धागे से बंधे चमकीले लट्टों की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे
उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। 10 बजने वाले हैं। लतिका आर्म चेयर पर उमने लगी, यानी एकदम वो आराम जो चेयर है वहां पर उंगने लगी। डॉक्टर मुखर्जी, देखो अभी हम मुखर्जी बोलते हैं, शायद वो डॉक्टर मुखर्जी उच्चारण करते होंगे। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ने जाने क्या सोच रही है। लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे आंखों की थैलिया में पढ़ती हूँ। उसको अपने प्रिंसिपल याद आने लगे, स्कूल के मतलब के सामने स्कूल का जो प्रिंसिपल है, मिस वुड उसका चेहरा आ गया। पोपला मुंह, जिसमें दांत नहीं होते उसको पोपला मुंह बोलते। आंखों के नीचे झूलती हुई मास्क की थैलियां, ये लटक जाती है उसके यहाँ से, ठीक है। पर जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे क्या बोलते थे, ओल्ड मेड कहकर पुकारते थे। तो ये इनवाइटेड कोमा के अंदर बंद है, इम्पोर्टेंट है। कुछ वर्षों बाद वह हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झरझरी दौड़ गई, मतलब कि उसे लग रहा मैं भी ऐसी हो जाऊंगी कुछ समय के बाद। मानो अनजानों में उसने किसी ग्लीज वस्तु को छू लिया है। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। ओहो, भावों की यातना से भरा हुआ पत्र जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी। अच्छी बन रही है कहानी धीरे धीरे, धीरे धीरे अच्छी बन रही है प्यारे साथी। मतलब आप सोचो, अब तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिलीट भी कर देते हो कि नायिका ने मैसेज पढ़ लिया, डिलीट कर लिया, है ना, सबूत नहीं छोड़ते। कोई जमाने में मतलब कहना कि बस मेरे सारे उसके सारे खत जला दिए और पता रहने दिया। तो आप समझ रहे हो भाव खतों का महत्व। शायद आप, मैं और आने वाली पीढ़ियां शायद खतों का मतलब नहीं जान पाएंगे। जिन्होंने कभी खत लिखे होंगे वो जरूर समझेंगे। क्या आप लोगों ने अपनी प्रेमिका हो या प्रेमी को कभी खत लिखे हैं तो नीचे कमेंट्स करके बतलाइए। ये जी आगे मैडम, हमने लिखे है खत। क्या बात है, आपने लिखे है मैडम खत, वाओ। कभी खत लिखे है, बताओ। हमने खत लिखे है और मेरे पास इतने सारे खत रखे हैं जमा पूंजी के तौर पे। एक्चुअली सर क्या था कि मेरे पापा दिल्ली रहते थे और मेरी दीदी श्री महावीर जी हॉस्टल में रहती थी और मैं, मेरे भाई और मेरी माँ गाँव में रहते थे शुरुआत के बचपन के स्टार्टिंग के दिनों में। तो मेरी दीदी चिट्ठियां भेजा करती थी, फिर उसके रिप्लाई में हम चिट्ठी लिखवा के भेजा करते थे। मेरे पापा चिट्ठी भेजते थे, उसके रिप्लाई में हम उनको चिट्ठी भेजा करते थे। क्या बात है। दीदी की चिट्ठी, सर दीदी की चिट्ठी की लास्ट लाइन होती थी कि पूजा और मनोज को मेरा बहुत प्यार देना और जब भी दादी जी मिलने आए तो उनको जरूर लेके आए, और ये लाइन रहती। और पापा की चिट्ठी में एक बात होती थी, मेरी मम्मी का गाँव चैनपुर है तो उसमें लिखा रहता कि चैनपुर की से बोलना कि मतलब काकी बोलती हूँ अपनी माँ को कि काकी का और काका का ध्यान रखे, उनसे लड़ाई ना करे। चैनपुर की से बोलना, अच्छा खुद के ससुराल का नाम लेकर वहां की से बोलना। अरे भाई जयकारा सेरा वाली था। मुझे एक बात आपसे समझ नहीं आई, जब मैं माँ भाई भाभी सब घर में रहते तो पापा जब मम्मी को पुकारते तब बोलते पूजा खाना लाना, मुझे गुस्सा आता है, मुझे क्यों बोलते। वो गुगाना ना मैडम, ए जी ओ जी हम ना कहेंगे, हम तो इशारों में बातें करेंगे। ये है ए जी ओ जी। पूजा की मम्मी या पूजा की दीदी नहीं, पूजा चावल लाना, पूजा चावल लाना, पूजा खाना लाना। मैं पढ़ा रही थी एक दिन, फिर बोले पूजा खाना लाना और मैं गेट बंद करके पढ़ा रही, फिर मुझे समझ आया अच्छा पूजा के पीछे की कहानी कुछ और है। जयकारा भाई तेरो वाले का जयकारा। वो इतने गर्व के साथ कहते एक्चुअली मैं भी इस बात को नहीं समझ। मेरी जो नानी है, मेरा जो नाना है ना, मेरी मौसी का नाम पुकारता था हमेशा। मेरी मौसी का नाम है गीता। अब तो मेरी मौसी की शादी वादी होगी, बच्चे बच्चे बड़े बड़े हैं, पर वो हमेशा अभी भी मतलब मौसी रहती भी नहीं है तब भी नानी जी नाना को गीता और वो दोनों गीता के नाम से संबोधित करते हैं। मैं समझ में क्या होगा यार, अपने इतना ध्यान भी नहीं देते कभी। पूजा कहते हमेशा, पूजा कहते मम्मी को।
मुझे लगा, फिर मैंने पापा से कहा अच्छा तो मैं छोटी पूजा हूँ, अब पता चला मुझे। मैं यार पापा की कभी, पापा बहुत खड़ूस है लेकिन मैं टांग खींच लेती हूँ उनकी कभी कभी। और पता सर, एक मजेदार कहानी बताती हूँ आपको। वो उस टाइम पे ना वो आता था, वो अरे वो एक राजस्थानी सीरियल आता था ना, वो लाडो, बाल विवाह कुछ बाल विवाह, कुछ नान, करके, बिल बाल विवाह है ना, आनंदी वाला, आनंदी वाला, आनंदी वाला, आनंदी हाँ वाला, उसका नाम आनंदी, उनकी। तो आनंदी, उसमें क्या होता है कि एक दिन करवा चौथ होता है, तो वो अपने पति को वो जल्दी में देखते हैं ना हाँ करवा चौथ पे, तो हाँ पापा और हम, पापा को बहुत शौक था उस सीरियल का, हम देख रहे थे और पापा के सामने थोड़ी शर्म भी आती है ऐसे सीन देखने में। तो वो कह रही है हम बहुत प्यार करते हैं ऐसे ऐसे बोली। तो पापा ने कहा पूजा तेरी जीजी भी मुझे ऐसा देख रही होगी, गांव में मैं नहीं हूँ तो मेरा फोटो देख रही होगी। अरे और भाई गोरी हम जय, इतने हंसे, मेरे दोनों भाई, मेरी दीदी और मैं इतने हंसे लोटपोट हो गए हंस हंस के, कि पापा ने क्या इमेजिन की। जबकि मम्मी भाई मम्मी यहाँ करवा चौथ का ज्यादा नहीं रखती, मेरी मम्मी ने कभी नहीं रखा। तो पापा कह रहे तेरी मम्मी मेरा फोटो देख रही होगी, मुझे जाना भाई चाहिए जय था आज। हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और उस टाइम हमारी एक दीदी और थी हमारे साथ, वो बहुत हंसी कि अंकल जी कितने रोमांटिक हो रहे। ऐसा हाय हाय, बहुत बढ़िया भाई, 10 बज गए, बहुत बढ़िया। होता था। तो सर आप थोड़ी देर कंटिन्यू करें, मैं आती हूँ। ठीक है तो यार साथियों, आप लोगों ने देख ही लिया आप होगा। जाना मत कहीं भी, बीच में मैं यूं गई और यूं आई 1 मिनट में, ठीक है। हाँ तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा गांव में क्या हादसा है। मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूँ। हाँ, बालिका वधू, हाँ सर, बालिका बालिका वधू वधू 2 शुरू हो रहा है यार, हमको तो इसके बारे में आइडिया नहीं है। बालिका वधू 2 हो रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान में मतलब बालिका वधू बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। एक सेकेंड ना, थोड़ी सी ब्लैक पट्टी आ रही है ऊपर, मैं उसको ठीक कर दूं आपका हो तो एक बार में। कोई बात नहीं, बालिका वधू आप राजस्थान में नहीं, ऑल ऑल इंडिया, और मैं कहूँ कि काफी दूर दूर तक फेमस हुआ था। और उसमें जो बाद में उसकी नायिका थी, शायद उसने आत्महत्या भी कर ली है बाद में, चुनाई कर वो दी तो उसने। नायिका कई बन गई, तो छोड़ो नायिकाओं को तो आप। हाँ जो सबसे पहले वाली थी ना, वो ज्यादा अच्छी थी सर, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, कोई बात कहना नहीं, चाह रही थी भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ग्रीटिंग कार्ड तो मिलते थे, और ग्रीटिंग कार्ड में क्या लिखा रहता था कि मिट्टी पर उंगली चलाऊं तस्वीर तेरी बन जाए, और सहेली गेट खोल कर रखना खत मेरा आ रहा है, कुछ ऐसे ऐसे, मुझे याद नहीं आ रहे अब, कुछ ऐसे ऐसे आते थे बड़े तगड़े तगड़े वादे। भाई हमने तो देखो मैडम है ना, स्कूल में देखे खत, स्कूल में क्या थे बच्चे, जिसकी अच्छी राइटिंग हुआ करती थी उससे लिखवाते थे। ये बात खतों की चल रही है इसलिए बात कर रहे हैं। पहले क्या था कि स्कूल में, स्कूल के टाइम पर बच्चे वो चित्रहार की किताब खरीद कर लाया करते थे। चित्रहार की मतलब वो स्टेशन पर चित्रहार की किताब मिलती थी पहले, चित्रहार वाली, तो उसमें शायरी होती थी कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, इस टाइप की, मतलब कुछ कुछ हाँ कुछ ऐसी, हाँ 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 तो इस तरह की कुछ उस समय का वो हुआ करती थी। तो स्कूल में ऐसा होता था कि यार जिसकी अच्छी राइटिंग है वो लिखता था। तो कई बार वो राइटिंग वाला पहले पिटता था, नायक नहीं पिटता था, पर वो राइटिंग वाला पहले पिटता था। कई बार क्या है, तो जो खत को अगर कोई पकड़ लेता मान लो रास्ते में, तो नायिका का पिता पकड़ ले, अमरीश पुरी टाइप हो, तो स्कूल में ही आ जाए, और जब गुरु जी कहता कॉपी लेके आओ सबकी, सारे कॉपी लेके आओ, करो किसकी जब राइटिंग है। हाँ हाँ जब वहां पर राइटिंग जिसकी मिला ली जाती थी उसको पहले मुर्गा बनाया जाता था धूप में बाहर, और उसके बाद में बढ़िया उसकी खातिर की जाती थी। तो भाई कई बार वो अच्छी राइटिंग वाला एक पिटता भी था ऐसे। मैडम 10 बज चुके हैं, मिनट, 1 मिनट में जाते जाइए जाते आप, कुछ कोई बोलना बात नहीं, चाहती रहने हूँ दीजिए ना। 1 मिनट 1 मिनट जी। 1 मिनट बोल के जाऊंगी। मान लीजिए एक कमेंट है कि जन्म से पहले ही न्यू बालिका वधू की शादी हो जाती है, तो ये बात एकदम 100% नहीं, 1000% सत्य है, क्योंकि जहां पर मैं अभी जॉब कर रही हूँ ना, यहाँ पर भी ऐसा ही है। मेरे स्कूल में 120 बच्चे जिनमें से 100 की शादी हो रखी है, पहली क्लास में जो बच्चे उनकी सबकी शादी हो रखी है, एक दो ही गवारा होगा मुश्किल से। कई बाप रे, बार तो ये भी होता है सर कि आपके, जैसे कि मान लो मैं हूँ और मेरे एक और लेडीज हो, तो ये कहा जाता है कि इनके पेट में अगर बच्ची हुई, मेरे पेट में बच्चा हुआ, तो उनके मन वो शादी फिक्स कर देते, जगह अगर का नहीं नाम हुआ रिवील तो। मत करना, जगह का नाम रिवील मत करना क्लास में, ऐसे नहीं बता नहीं दो। ऐसे नहीं करी, बता रही हूँ कि ऐसा होता है। चलो ठीक है सर, है ना। हाँ बिल्कुल, अभी गांव में ये कुप्रथा बहुत ज्यादा है, जो बालिका वधू विवाह की जो चल रही है साथियों, बहुत ज्यादा है ये। जाइए मैडम आप,
ठीक है, शुरुआत करते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। और एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मुझे समय दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा समय दीजिए मुझे, कुछ तकनीकी एरर आ रहा है, थोड़ा समय दीजिए, हल्का सा। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। प्यारे साथियों, थोड़ा सा तकनीकी एरर आ गया था क्लास में, अब हमने सुचारू रूप से फिर से क्लास को स्टार्ट कर लिया है। मैडम का थोड़ा वेट करेंगे, शायद हमारा जूम बंद हो गया था इसलिए मैडम चली गई, मैडम तुरंत आ जाएंगी। आ गए ना? चलिए एक बार सब लोग दरबार में हाजिर लगा दो फिर से, और थोड़ा सा बात अलग चल रही थी, मैडम तुरंत आ जाएंगी। चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए प्यारे साथियों। आज का सेशन बड़ा खास है, आप इस बात को मान के चलिए, आप आज का सेशन बड़ा ही खास चल रहा है प्यारे साथी। ओके, आगे हम कहां से थे, कहां तक पहुंचे? हम पहुंचे थे साथियों, शिफ्ट आई, हम कहां तक पहुंचे हैं? हाँ, यहां तक पहुंच चुके हैं। आ जाइए, बचकानी वो अपनी पुरानी बातों पर क्या हुआ साथियों, हंसने लग गया है। आगे देखते हैं, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई और उसकी उम्र अभी बीती नहीं। वह दूसरों खुद प्रसन्न हो रही कि वह दूसरों की ओर और आकर्षित, दूसरों को अपनी और क्या साथी वो आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। क्या आई थी साथियों? केवल उसको ममता आई थी, मां का प्रेम होता है एक तरीके से ममता का। तो क्या साथियों, ओके, उसके कारण अपने को विश्वास रहता था, अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलत फहमियों से जुड़ा था। आप कहानी से दोबारा लिंक करने की कोशिश करो, बीच में थोड़ा तकनीकी एरर आ गया, लेकिन आप दोबारा से कहानी को लिंक करने के साथियों यहां पर कोशिश कीजिए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी? अब लतिका के मन में धीरे धीरे अपने सवाल जागृत हो रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं लतिका, उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है, उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल हो गई हैं। देखो, थोड़ी देर पहले इसको उम्मीद जागने लगी कि यार अभी तो मैं लोगों को मैं अपने प्रति सम्मोहित कर लेती हूं, अभी मैं लोगों को अपने प्रति सम्मोहित कर लेती हूं, और फिर दोबारा से धीरे धीरे उसको लगा कि यार मेरी तो टांगे शिथिल होने लगी हैं। ये सब विचार उसके मन में साथियों आने लगा। आप पढ़ाइए श्वेता, करिए आप पढ़ाइए, वेरी गुड श्वेता, बहुत धन्यवाद भाई। वह झटके से उठ खड़ी, कौन लतिका, क्या है झटके से उठ खड़ी हुई, डॉक्टर माफ करना, क्या है झटके से उठ खड़ी कि डॉक्टर माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। मतलब अभी क्या चल रही है, ह्यूबर्ट डॉक्टर और लतिका एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहां फिर वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे थकान सी होने लगी है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह वहां से चली गई। क्या साथियों, वह वहां से चली गई। कुछ देर तक टेरिस पर निस्तब्धता छाई रही,
मतलब जो टेरिस, मतलब किसी की आवाज नहीं आ रही, एकदम निस्तब्ध था पूरा माहौल, एकदम वहां का निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्ती बुझने लगी, डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। क्या साथियों, सिगार का एक लंबी सी क्या ली थी, लंबी सी एक कस ली, लंबी सी घूंट ली, मतलब सिगार का कस का मतलब होता है लंबी एक घूंट लेना। सिगार की उसने क्या ली थी साथियों, घूंट ली। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं बेवकूफ और सेंटीमेंटल। हुबर्ट की उंगलियां का दबाव पियानो पर ढीला पड़ गया। अंतिम सुरों की झिड़की सी गूंज कर कुछ क्षणों तक हवा में तैरती रही। तीन लोग थे, डॉक्टर साहब, लतिका और ह्यूबर्ट। तो ह्यूबर्ट ने पियानो बजाना बंद कर दिया है और लतिका उस कमरे से साथियों बाहर आ गई है। अब देखो कहानी में कैसे रोचकता आती है और ये कहानी और कहानियों से किस तरीके से जुदा है और ये कहानी इतनी पॉपुलर क्यों है, इसके बारे में अब हम और समझ लेते हैं। आपको मालूम है मिस लतिका, आपको मालूम है साथियों, क्या कहते हैं आपको, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। क्या है, कुछ अरसे से मिस लतिका का जो व्यवहार है अजीब सा लगता है। हुबर्ट के भाव यहां पर क्या साथियों, हुबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वे नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उनकी भावना का जरा सा भी मिल सके। यानी एक बात ध्यान से देखो, एक साथियों हुबर्ट है, वो लतिका से मनी मन प्रेम करता है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहता कि डॉक्टर साहब को इस बात का पता लगे कि यार मैं लतिके के बारे में कुछ जानता हूं या फिर लतिका के बारे में ऐसा वैसा कुछ सोचता हूं, ऐसा वो कभी पता नहीं लगने देना चाहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हेमलता आपकी कल शॉपिंग से ज्यादा थक गई थी। आगे देखते जाओ, अब यहां पर बात आपको अच्छी वाली देखने को मिलती रहेगी। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया, डॉक्टर उसी हठी ठटाके के उपहासपद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो हुबर्ट, डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या तुम नियति में विश्वास करते हो हुबर्ट, वो कहता है कि क्या तुम नियति में विश्वास करते हो। हुबर्ट दम रोके प्रतीक्षा, क्या कहा, तुम नियति में विश्वास करते हो, डॉक्टर साहब ने कहा। हुबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा, वह जानना था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत है। डॉक्टर टेरेस के जंगल में सटकर खड़ा हो गया, फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश, कैसा आते हो, छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। ये उस समय का दृश्य आपको लेखक बताना चाह रहा है कि उस समय का क्या दृश्य साथियों चल रहा था, ये दृश्य साथियों यहां पर बताना चाहता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है, वो कहता है कि मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला। हजारों मील अपने मुल्क से दूर यहां पड़ा हूं, मतलब ये कौन सोचता है, ये डॉक्टर सोचता है इस बात को, मैं हजारों मील, बर्मा का रहने वाला है साथियों, हजारों मील अपने मुल्क से दूर पड़ा हूं, यहां कौन मुझे जानता है, यहीं शायद मर भी जाऊं। हुबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी सी हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, कहानी में पता लग चुका है कि डॉक्टर साहब बर्मा के रहने वाले हैं और जब भी वो बर्मा को याद करते हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो वो सोच रहा है कि हम दूसरी धरदेश में हैं, यानी हिंदुस्तान में हैं, और यहां पर मर जाना कितना दुखद होगा अपने आप में। मैं आपको बता दूं, म्यांमार का नाम बर्मा है, जो म्यांमार था साथियों उसी को ही बर्मा कहते हैं, म्यांमार का नाम बर्मा है, जो अभी म्यांमार है पहला उसको बर्मा कहते थे। ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा, उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस फालतू को देखा था। अपने संबंध में
वे अक्सर चुप रहते थे, मतलब डॉक्टर साहब ना कभी भी अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं क्या करते थे, और इसीलिए ही लती काका कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उससे कभी पूछ ले, कभी बात कर ले उसकी पर्सनल चीजों के बारे में। कोई पीछे नहीं था, वह बात मुझसे एक अजीब किस्म की बेसब्री पैदा कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों को मौत अंत तक पहेली बनी रहती है, मौत तक कुछ लोग पहेली बनकर रहते हैं। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे, उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास ही नहीं होता। आगे की बात है, डॉक्टर आप किसका जिक्र कर रहे हैं, ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। देखो ये जो बात होती है साथियों, ये जो बात चल रही थी इस समय कि विदेश में मरना कैसा है, इस बातों को लेकर ह्यूबर्ट ने थोड़ा अलग प्रकार का जवाब दिया कि डॉक्टर साहब आप किसकी बात कर रहे हो, इस तरह की बात हो रही है। डॉक्टर कुछ देर चुप रहा और सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर मोमबत्ती की बुझी हुई लौ को देखने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हें मालूम है क्या साथियों, उसे मालूम है कि किसी समय लती का गीला नागा क्लब जाया करती थी। क्या सर, बिला नागा क्लब। उन्हें मालूम है कि किसी समय लती का बिला नागा क्लब जाया करती थी। गिला, उसे मालूम है कि किसी समय लती का बिला नागा क्लब जाया करती थी। ग्रीस नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। ग्रीस नेगी की नया पात्र की एंट्री हुई है, लिख लीजिए। ग्रेस नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने सब कुछ बतला दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। कौन नहीं लौटेगा? ग्रीस नेगी। ओके, अब क्या फर्क पड़ता है। लेट द डेड डाई, डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोलती सी सुन्नता भरती है, यानी कि मरने की बात कह रहा था वो कि मर गया। कौन? नरेश नेगी, कुमाऊ रेजिमेंट का कैप्टन था, ध्यान से रखना, लिख लीजिए साथियों अपनी कॉपी में कि गिरीश नेगी, इधर देखिए साथियों, गिरीश नेगी कुमाऊ रेजिमेंट का क्या था? कैप्टन था। गिरीश नेगी कुमाऊ रेजिमेंट का कैप्टन था साथियों। डॉक्टर, क्या लतिका ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया? उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। अब डॉक्टर अपना वो पत्र याद कर रहा है जिसको थोड़ी देर पहले लतिका याद कर रही थी, याद है आपको, लतिका थोड़ी देर पहले पत्र याद कर रही थी, उस पत्र को अब यहां पर डॉक्टर याद कर रहा है। कोई बात नहीं हेमलता जी, यहीं से तो अनअकैडमी पर जाते हैं, आप तो आया करो डेली, कोई दिक्कत नहीं, हम तो मजे के साथ साहित्य पढ़ रहे हैं। मैं तो ये कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं है। कितने सारे लोग हैं इस समय, 50 लोग देख रहे थे थोड़ी देर पहले लगातार लाइव। एक बात सुनो, हमको साहित्य पढ़ना है, हम मोबाइलों में पूरे दिन लगे रहते हैं, लैपटॉप में पूरे दिन लगे रहते हैं, टीवी में पूरे दिन लगे रहते हैं, और साहित्य पढ़ना हमने छोड़ ही दिया था। कहानी, उपन्यास, ये कितने रोचक होते हैं साथियों, उनको पढ़ना हमने छोड़ दिया था, लेकिन इस सीरीज की बदौलत हम उन सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, आप मजा आएगा इस सीरीज में, पूरी में, और डेली आता है, रोज 9 बजे आ जाया करो। ओके, लतिका को जो प्रेम पत्र याद आ गया था, उसे याद आया कि वह पत्र उसने लतिका को भेजा था कितना अर्थहीन और उपहासपद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कोचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया, क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है पागल, मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। देखो यार, दिल भी कितना पागल है ना, अपने आप को समझा लेता है। जब वो लेटर लिखता है, देखो दो बात हुई है इसमें, डॉक्टर साहब ने लतिका को लेटर लिखा है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब उसका डॉक्टर ने, लतिका ने कोई जवाब नहीं दिया उस समय,
अब डॉक्टर अब ये सोच रहा है कि यार उस लेटर की जो एक एक बात उसने लिखी थी, उस लेटर में जो भाव लिखा था वो उसको अपमान का ले रहा है एक तरीके से। उसको लग रहा है कि यार ये अपमान हो गया मेरा तो, और मतलब क्या मैं इस योग्य भी नहीं था कि लतिका उसका कुछ जवाब देती। फिर धीरे ही धीरे समझा रहा है अपने आप को कि दिल तो मतलब ये समझा रहा है कि लतिका तो बच्ची थी, बच्ची है मतलब एक तरीके से। वो क्या समझती, क्या मरने वाले के संग खुद को थोड़े ही मारा जाता है। इस प्रकार से बात वो किया जा रहा था। और यहां पर बात किसकी चल रही है, ग्रीस नेगी का कुछ न कुछ लतिका के साथ संबंध है, दो दो प्रेमी हो सकते हैं लतिका के। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को दोहराया, लेकिन लेकिन ह्यूबर्ट क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? दोबारा से उसने क्वेश्चन किया जो थोड़ी देर पहले किया था ना, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल में, आप ध्यान से देखिए, आप कॉन्वेंट स्कूल में कुछ दूर मैदानों में बहती पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था, जो पहाड़ी पर जो नाला बहता है उसका स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमाऊ रेजिमेंट सेंटर का बिगल बिगुल सुनाई दिया जो बजाते हैं, तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूं डॉक्टर साहब, गुड नाइट। यानी उनको पता लगा कि जैसे ही आर्मी का बिगुल बजाई दिया रात का, अब वो कहता रहे यार चलना चाहिए डॉक्टर साहब, गुड नाइट, अब मैं चलता हूं। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे मास्क माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। सुबह बदली छाया थी लतिका की, अब सुबह हो गई साथियों, सुबह बदली छाया थी लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल में स्कूल से ऊपर क्या साथियों, चैपल, स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे रहा था। लतीका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि कमरुद्दीन चाय की ट्रे लेकर खड़ा है। क्या साथियों, लतीका ने खिड़की से आंख हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन, माफ करना, करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री के अर्दली रह चुका है। करीमुद्दीन कैसा आते हो, मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठी, सुबह से आलस करके कितनी बार जाग कर वह सो चुकी थी। अपनी खिसी हाइट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। सर मैंने 10 o'clock वाली देखी थी, नहीं मिली मॉर्निंग में, शायद क्लास यूट्यूब पर। सर बहुत धन्यवाद आपका, सर ये वहाँ फ्री है। हाँ बिल्कुल, अनअकैडमी पर भी फ्री क्लासेज होती हैं, आप जाओ। 10 बजे मेरी पेपर 1 की क्लास होती है साथियों, और पेपर 2 की क्लास भी है कल। तो हाँ भाई, कल के लिए सुन लो मेरी बात, हिंदी के बच्चों सब सुन लो, देखो सुनो मेरी। 10 बजे तो मैंने आपकी पेपर 1 की क्लास रखी है, एक मैथ प्लस रीजनिंग का रिवीजन करवा रहा हूँ। फिर मैंने कल 1 बजे भी आपकी एक क्लास रखी है, वो भी मैथ रीजनिंग की रखी है, ताकि जल्दी जल्दी क्लास रिवीजन हो जाए। फिर हिंदी की मैंने क्लास रखी है साथियों 4 बजे से, और ये तीनों क्लास निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। आप तो आओ और मौज उड़ाओ क्लासों की अनअकैडमी पर, बस आप तो आओ और मौज उड़ाओ। ओके, मैंने कुछ ज्यादा ही लीकटा कर दिया क्लास में, इतना ज्यादा लकीटे अच्छे नहीं है। चलिए, ओके साथियों,
अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों से देखना, बड़े दिनों में देखना दांत कटकटाते हैं, और पहाड़ी इलाके में तो वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उस दिनों की कल्पना मात्र से ही उसको जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ उसे उसके बाल खिजाब लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींचतान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। करीमुद्दीन की बात हो रही है प्यारे साथियों, ये आगे देखते हैं। एक दफा तो यहां लगातार इतनी बर्फ गिरी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जम गई थी। इतनी बर्फ थी मैम साहब कि पेड़ों की टहनियां एक सिकुड़कर तनों से लिपट गई बिल्कुल ऐसे, और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गासा बन गया। कब की बात है, लतीका ने पूछा था। क्या साथी, वो ऐसे दिखा रहा था कि ऐसे झुक गई थी। भाई साहब, दोनों बोतलों में पानी खत्म हो चुका है, इसमें भी और इसमें भी, तो मैं थोड़ा सा, आप पढ़ो, जब तक मैं एक बार पानी का इंतजाम करता हूं, आप पढ़ो। चलिए साथियों, कितनी पढ़ ली आप लोगों ने, पानी लेकर आए हो, आप भी पानी पी लीजिए। ओके, अब तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैम साहब। क्या साथियों, अब तो जोड़ हिसाब करके पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस समय अंग्रेज बहादुर यही थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था, बड़े जबर थे अंग्रेज, 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे, अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे, अब तो सब उजड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा, यानी अंग्रेज शासन के समय की वो बात करता है। अंग्रेज लोग ऐसे थे कि वो अपना काम निकालना जानते थे, ऐसे डरा कर धमका कर किसी भी तरीके से, लेकिन वो सड़कें वड़के साफ वगैरह रखते थे। ओके, आज ये पहली बार नहीं है जब लतीका कमरुद्दीन से उस दिनों की बात सुन रही थी जब अंग्रेजों ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मैम साहब, ये कमरुद्दीन ने किसे कहा, लतीका से कहा। देखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या करती मैम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। क्या है, छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। अब ये सारी बात करीमुद्दीन, ह्यूमर्ट डॉक्टर, इन सब के बीच में बात चल रही है, जो लड़कियों की बात तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रही क्योंकि लड़कियां अपने हॉस्टल में इस समय सो रही हैं। सारी बात उसी रात की हो रही है। देखो, जितनी भी बात हुई है एक ही रात की बात है सारी। जैसे ही कहानी शुरू हुई, सारी जो लड़कियां थी वो बातचीत कर रही थी, वो सोने चली गई। उसके बाद में एक रूम में बैठ के डॉक्टर साहब वगैरह सब, अगली सुबह करीमुद्दीन चाय लेकर आ गया। ये इतनी बात हो चुकी है अब तक, इतनी बात शायद ही हो चुकी है। ओके, जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए, पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतीका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब वह बर्फ गिरती थी तो उसी पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब को शायद कल ही चले जाएंगे, कल रात उनकी तबीयत भी खराब हो गई।
आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम रास नहीं आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चली जाएगी। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछ आए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों से टंगे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता देखती रही। क्या साथियों, फिर वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता देखती रही। कौन? लतिका। आगे देखते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहसा दयनीय हो जाता था। वह लगता था कि वह अपनी मूक निरीह यातना उसे कोस रही है, न जाने उनकी गलत फहमियों को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, न उसे अपनी विवशता की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाल से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। लतिका इस बात को करती है। अब ये सारी बातें लतिका के मन के अंदर चल रही हैं प्यारे साथियों। बाहर बूंदाबांदी होने लगी, कमरे की टिन टिन छत खटखट बोलने लगी। लतिका पलंग से उस खड़ी बिस्तर को हटाकर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपर को घसीटते हुए वे बड़े आईने तक आई। उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी, किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर लें। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कड़कड़ाते जाड़े में भी उन्हें खिड़की खोलकर सोना पड़ता था, क्योंकि आग जलाती थी तो क्या है कि पिछली बार गीली लकड़ी होने की वजह से पूरा रूम में धुआं हो जाता था, तो सर्दियों में भी उसको धुआं को बाहर निकालने के लिए खिड़की खोलकर उनको सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा, वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चोरी चुपके सोने चला जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदीले सोले पर लेटते ही आंख लग जाती थी। आपको एक नया कैरेक्टर आया होगा साथ यहां पर, मिस वुड, इसको और कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा है, किंतु मिस वुड इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसको उसके हवाले कर दे। ऐसा वो अपने मन में सोच रही है कि मिस वुड ऐसी है कि पूरा खाली पड़ा है कमरा, लेकिन ऐसा नहीं कि यार 2 महीने वो मुझको सोने के लिए दे दे, ऐसा मिस वुड नहीं करती। इस साल कमरे में ताला ठोक जाती है, वह तो पिछले साल गुसल खाने के भीतर ही साकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में गुसल खाने को मतलब बाथरूम को इस्तेमाल किया करती थी। वो तो गलती से पिछली बार वो लॉक करना भूल गई थी गुसल खाने को भी, नहीं वो उसको भी लॉक करके जाती है। पिछले साल अकेले में उसे बड़ा डर लगता था। छुट्टियों के सारे स्कूल हॉस्टल कमरे साय साय करने लगते हैं। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी, तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती थी। बातों में जब खोई सी सो जाती, तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना बना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उसका बिस्तर लगवा देती। तो मतलब डॉक्टर साहब को बुला लेती और दूसरे कमरे में बाद में फिर यहीं सो जाओ डॉक्टर साहब कहाँ जाओगे, ऐसा वैसा करके दूसरे कमरे में उनके बिस्तर लगवा देती थी। ऐसा उनको डर लगता था। लतिका के कंधे से बालों का गुच्छा निकला और उसे बाहर फेंकने के लिए खिड़की के पास, मतलब बाल टूटे थोड़े झड़े बाल, उसे बाहर खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघा छन आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उधर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंके से उसे आंखें
छिप गई। उसे जितने काम याद आ रहे थे उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं और सामान हॉस्टल की लड़कियों पीछे छोड़े जा रही थी, उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी वो हाथ बढ़ाना पड़ता है। आप ध्यान से सुनते जाइए गौर से और हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। आप देख लीजिए साथियों, वो सब बातें उसके मन में चल रही हैं। वह इन कामों में उबती नहीं, धीरे धीरे सब निपट जाते हैं। कोई गलती इधर विधर रह जाती है सो बाद में सुधर जाती है। हर काम में चिक-चिक रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेर उसे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली गई, जो घर जाने वाली लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है, तब वह मन उसका उचाट सा हो जाता है। क्या साथियों, जब उसका मन क्या हो जाता है, उनका मन उचाट सा हो जाता है। उसका मन कैसा हो जाता है, एकदम उचाट सा उसका मन हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वे कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में, वह नहीं जान पाती कि अपने में क्या करें। दिल में कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटकता सा रहता था उनका दिल। ये सब लतिका की बात चल रही है साथियों। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव से पूछता कि मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब वह क्या कहे, डिंग डोंग डिंग, स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल सैंपल के घंटे बजने लगते थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया, उसे झटपट साड़ी उतारी, पेटीकोट से कंधे पर तौलिया डाले गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट करती हुई वो कहां घुस गई, गुसलखाने में घुस गई साथियों। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्तियों में कुमाई रेजिमेंट के सिपाही एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाजें और स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर, ओहो, हेमलता कह रहे कितना सन्नाटा है, चुपचाप चुन रहे हैं सब, और वाह क्या बात। सुनते जाओ। ब्लेसेड आर द मीक, फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खरखराते हुए स्वर से, अभी मैडम भी आने वाली है, सपन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडल ब्रियम के दोनों ओर मोमबत्ती जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर पड़ी हुई लकड़ियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों की बेंच अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई थी, सिर झुकाए एक दूसरे से घुसर पुसर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों को, स्टाफ सदस्यों को बधाई भाषण दे चुकी थी, और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने ही कुछ बुड़बड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। यानी धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट करे। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जब कोई नाटक खेला जाता है तो नायक केवल मुंह हिलाता है और दूसरा पीछे से बोलता है, उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। यानी कि उसको याद दिलाता है कि यार क्या क्या आपको यहां पर बोलना है, उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको। ऐसा लग रहा था फादर को ये सब चीजें प्रॉम्प्ट कर रही है, ऐसा उसको देखने में लगा। आमीन, फादर एलमंड ने
बाइबल पेज पर रख दी और फेयर बुक उठा ली। हाल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते ही जानबूझकर बेंचों को पीछे ढकेला। बेंच फरस पर रगड़ खाकर सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के कोने में हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे की भ्रकटियां चंड गई, फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हाल के उस घुटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीजस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फेलोएथ मी सैड नाइट वॉक डार्कनेस बट सेल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। ये बात कौन कर रहे थे? फादर। हाँ, मौसम ऐसा ही बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप। मैं देख रहा हूं जितने भी चेले क्लास में इस समय हैं, एकदम चुपचाप क्लास को देखे हुए, एकदम चुपचाप क्लास को देख रहे हैं। कोई ना हंस रहा ना मुस्कुरा रहा, क्योंकि मैडम होती तो कुछ हम गप्पे ही मार लेते मैं और मैडम मिलकर। अब मैडम आने वाली हैं और फिर हम दोबारा से क्लास को फिर से अच्छे से शुरू करेंगे। जब तक आप, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, तो धैर्य के साथ आप पढ़ते जाइए। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकतावट से भरी जुम्हाई ली। मैं एक बार आवाज देख लेता हूं, मेरी आवाज कैसे आ रही है, रुको। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकतावट से भरी जुम्हाई ली। मैं एक बार आवाज देख लेता हूं, मेरी आवाज कैसे आ रही है, रुको। आवाज यार एकदम शानदार आ रही है हमारी। मैंने दूसरे लैपटॉप में, और मैंने ये हेडफोन क्यों लगा रखे हैं मुझे तो यही पता नहीं है, क्योंकि मैडम क्लास में होती तो हेडफोन लगाता ना, हेडफोन लगाने का मतलब क्या हुआ। ओके यार, मैंने आवाज हमारी ज्यादा क्रिप सा, इसलिए मैंने अच्छे अच्छे माइकों का यूज करता हूं। मैंने अच्छे माइकों का यूज इसलिए करता हूं ताकि आवाज आपको बेस्ट सुनाई दे, कोई किसी प्रकार का नॉइस ना आए, इसलिए थोड़े अच्छी क्वालिटी के माइक वगैरह यूज करने का ये फायदा कई बार हो जाता है, तो अच्छी आवाज आ रही है। ओके साथियों, स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंगात्मक मुस्कुराहट खेलती रहती और वह धीरे धीरे अपने मूंछों को खींचता रहता। फादर एलमंड की वेशभूषा देकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफेद चोंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते होंगे, अगर धोखे से वह ऊपर उठ गया तो। ये मतलब ये लतिका के मन में ऐसे, लतिका छोटी थी तो सोचती थी कि पादरी लोग क्या चौंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते, अगर मान लो हवा से गलती से ऊपर उठ गया तो, ऐसे लतिका सोच रही है साथियों। यहां पर लेफ्ट लेफ्ट मार्च करते हुए वे फौजी बूट चैपल से दूर जा रहे थे, केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। देख लीजिए साथियों, अब यार मतलब इतनी पॉपुलर कहानी है, ये एक मन स्थिति बता रहा है साथियों, मन स्थिति बता रहा है एक तरीके से उस समय की। नवंबर हिम नवंबर क्या साथियों, 118 फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा, हाल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर लिखी हुई हिम बुक खोल ली है। पन्नों की उलझन को खड़खड़ाकर फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे तरफ तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर उसे कायर के संग पियानो बजाना होना था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। कितने लोग रुमाल से नाक साफ करते हैं? अपनी घबराहट छिपाने के लिए हुबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। कनखियों से हाल की एक और देखते हुए अपने कांपते हुए हाथों से हिम बुक खोली और फीड काइडली लाइट की बात करने लगा। पियानो के सुर दबे, झिझकते से मिलने लगे, घने बालों से ढकी हुबर्ट की पीली उंगलियां खुलने सिमटने लगी। प्यारे साथियों, अनअकैडमी पर कल 10 बजे क्लास है पेपर वन की, और पेपर वन की 1 बजे भी है। 3 क्लास मैंने क्रिएट कर रखी हैं, जाकर आप क्लास को शुरू देख लीजिए।
ओके। कॉयर ने गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गूंथ कर कोमल स्निग्ध लहरों से बिंद गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचा लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिपों को कसकर बच्चा पचा लिया। बड़ा झक्की आदमी है, सुबह मैंने हुबर्ट को यहां आने से मना किया, फिर भी वह चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को कमरुद्दीन की बात याद हो गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा, यानी कमरुद्दीन रात में कहा था ना कि डॉक्टर साहब की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, कहा था ना उन्होंने। रात भर ह्यूबर्ट की खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। सोच लीजिए आप, लीड काइंडली लाइट संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हांफती हुई सांसों को आकाश की अबाध शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे थे। आपको मतलब ध्यान से सुनते जाओ, वैसे आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ लगने लगेगा। भाई क्वेश्चन पूछकर नहीं आएगा कि मैं कहां से आऊंगा, यहीं से आ सकता है। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों की झिलमिला रही थी। उसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी गिर रही थी। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तीरन लगा है, हवा को चीरने लगा है। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का परिचित मरम कहीं दूर अनजान दिशा में आता हुआ सुनाई दे रहा है। ध्यान से सुनते जाओ। नहीं नहीं मैम नहीं सोई है, मैम की एक्चुअली वो स्पेशल की क्लास उनकी क्रिएट थी और मैंने कहा कि अपनी क्लास में आ जाओ, तो यहां पर आ गई। तो वो 10 बजे से उनकी क्लास है, वो लगभग खत्म करने वाली है, 10 से पौने 11 तक लेंगी, खत्म करने वाली है क्लास को वो, देन वो अपनी क्लास में ही आएंगी। ओके ओके। एक क्षण के लिए एक भ्रम हुआ, चैपल का फीका सा अंधेरा उस अंधेरे से प्रेयर हॉल में यानी प्रार्थना के हॉल में चारों कोनों में सिमटता हुआ उसके आसपास घिराया, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहां तक ले आया हो। अचानक उसकी आंखें खोल दी और उसे लगा जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक नहीं रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुडोल हाथ, पियानो के सुर अतीत की धुंद को भेदते हुए स्वर उस धुंध का भाग बनते जा रहे थे। क्लास कब स्टार्ट हुई, नोटिफिकेशन नहीं आया आज। इस चैनल पर रोज मेरी क्लास होती है 9 PM। आप ऐसा करो, एक टेलीग्राम चैनल है अपना, डॉक्टर लोकेश बाली अनअकैडमी, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर प्रत्येक चीज की लिंक आपको मिल जाएगी। बराबर, क्या साथी, वहां पर प्रत्येक चीज की लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके। एक पगली सी स्मृति उद्भ्रांत भावना चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा, हवा की झुकी हुई विपिंग, विलोज की कांपती टहनियां, मतलब ऐसा लग रहा है कि लेखक हैं इन्होंने, मतलब एक चित्र सा बना दिया है वहां के वातावरण का, वहां की जलवायु का, मतलब एक चित्र सा बना दिया हमारे सामने कि सब ऐसा था, ऐसे हवा आ रही थी। ये लग रहा है कि एक चित्र हमारी आंखों के सामने बन रहा है। एक पगली सी स्मृति एक उद्भ्रांत फैला रही थी, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीरे धीरे सी चिरपरिचित खड़खड़, वहीं ग्रीस एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे हुए सबल कंधे उसका सिर वहां टिका दें जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोयर यह नाम उसने रखा था, वह छेप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया,
मेजर बन गए हो लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो, जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है, यह सब कहती नहीं सिर्फ सोचती भरती, सोचा था कभी कहूंगी वह कभी कभी नहीं आया, बुरुस का लाल फूल लिए हो ने झूठे खाकी कमीज के लिए, जेब पर बैच चिपके थे। क्या साथियों, जेब पर क्या चिपके थे? बैच चिपके थे। ओके, उसमें मूसा हुआ बुरूम का फूल निकल आया, छी सारा मुरझा गया, अभी खिला यहां है। उसके बालों में ग्रीस का हाथ उलझ रहा था, फूल कहीं टिक नहीं पाते, उसे क्लब के नीचे फंसाने पर उसने देखा। प्यारे साथियों, ग्रीस है वो मर चुका है, लेकिन लतिका ग्रीस के बारे में समय सोच रही है। सर कल राही पढ़ा दो, ठीक है कल राही पढ़ा देंगे। राधे राधे, अरे आचार्य मैडम नहीं है चेला यहां पर, आचार्य मैडम आ गई हैं, अब आ गई आचार्य मैडम, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा विलंब दीजिए, मैडम को आने दीजिए, अब आ गई मैडम। आने देते हैं मैडम को, जब तक आप थोड़ा सा शांत रहिए और फिर हम क्लास को फिर से शुरू करेंगे। आने दीजिए मैडम को, जब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, आप लोग भी जल ग्रहण कर लीजिए। बड़ा प्यारी कहानी है, देखते हैं। सर जी मेरा तो नूर नूर होगा सारो, क्या बात है चेला। ओके सर, मैडम को आ जाने देते हैं, देन उसके बारे में बात करेंगे। मैडम ने भेज दिया वैसे तो लिंक हमारे पास में, जल्दी आ जाएंगी। कहानी बड़ी शानदार है, निर्मल वर्मा की कहानी को हम पढ़ रहे हैं इस समय, और कुछ अच्छी चीज देखने को मिलेगी यार। कल कौन सी पढ़ोगे? देखो अब तक हमने कौन कौन सी कहानी पढ़ा दी, ईदगाह पढ़ ली हमने, लाल पान की बेगम पढ़ ली हमने, इसके अलावा कौन से पढ़ लिए साथियों? आगे मैडम, लाल पान की बेगम पढ़ ली है हमने, ये सब कहानियां साथियों हमने पढ़ ली है। लव फ्रॉम इलाहाबाद, आ जाइए फटाफट से आ जाइए। फिर चली गई मैडम। मैडम आती रहेंगी, ज्वाइन कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से हमारी कहानी की तरफ रुक कर लेते हैं, मैडम तो आ जाएंगी, वहीं हमको मिल जाएंगी, यहीं मिल जाएंगी मैडम आपको। ओके साथियों, चलिए कुछ और चीजें यहां पर पढ़ लेते हैं कि वह मुड़ी, इसके लिए वह कुछ कह पाती, ग्रीस ने अपना मिलिट्री का हैट थप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे खड़ी रही, उसके सिर पर ग्रीस का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। ग्रीस ने उस बिंदी को अपने होठ से छुपा लिया, यानी जो यहां पर बिंदी लग रही थी, अपने होठ से छुपाने का मतलब है सर पर उन्होंने किस कर दिया। उसने उसके नंगे माथे को अपने दोनों हाथों से समेट लिया और बोला लतिका, और बोला लतिका, और क्या बोला साथियों? लतिका। अब यहां से प्रेम की खुशबू आपको नजर आने लगेगी, मैडम आ रही हैं,
आने दो मैडम। ग्रीस ने चिढ़ते हुए कहा मैन ईयर ऑफ कुमाऊ, ग्रीस ने चिढ़ाते हुए कहा उसको कि मैन ईयर ऑफ कुमाऊ, उसका यह नाम ग्रीस ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। क्या नाम रखा था? मैन ईटर ऑफ कुमाऊ, माफ करना मैं क्या बोल रहा था, मैन ईटर ऑफ कुमाऊ। स्वागत है मैडम आपका। स्वागत है भाई साहब आपका मैडम जी। हेलो। हाँ जी स्वागत है मैडम, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। स्वागत है आपका, स्वागत है भाई। कहानी हमने बहुत धड़ाधड़ खींच दी पर मुझे लगता है अभी और लंबी चलने वाली है। आपके जाने से थोड़ा सा सुनसान हो गए और सारे चेलों ने पता लीड लगा रखी है, पता क्या कर रहे हैं, आराम से सुनते जा रहे हैं, सब मुग्ध होकर सुनते जा रहे हैं कहानियों को। अब लतिका के जीवन में प्रेम की बहार आने लगी। बात बता दूं कि आपके चेले कैसी चालाकी कर रहे हैं, बहुत सारे पीछे पीछे आ गए थे, अच्छा पीछे पीछे इधर आ गए थे। अच्छा ये बात है क्या, चेले लाएंगे क्रांति, चेले लाएंगे क्रांति, चेले लाएंगे क्रांति। ठीक है साथियों, कहानी बड़ी रोचक जगह पे पहुंच गई है। जो लतिका है उनके जो प्रेमी थे, उनको जो प्रेम का इजहार किया था, जिनका नाम था ग्रीस, है ना, है ना, तो उन्होंने उसको अभी लतिका को उनके जो फौज वाली टोपी उनके माथे पर रखी, लतिका की जो सर पर जो बिंदी थी उसको उन्होंने अपने होठों से चूम लिया और उसको चिढ़ाने के लिए मैन ईटर ऑफ कुमाऊ का नाम उसको दे दिया है। अब यहां से कुछ प्रेम की बात आने लगेंगी। वह हंसने लगी, यह सब सुनकर क्या साथियों, वह हंसने लगी, कौन, लतिका, वह हंसने लगी। लतिका सुनो, ग्रीस का स्वर कैसा हो गया था, ना मैं कुछ भी नहीं सुन रही। अब देखो दोनों की बात, प्रेमी और प्रेमिका की बात देखो, सुनो नहीं 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 मैं कुछ भी नहीं सुन रही। अरे जितेंद्र चेले, अगर कल हमारी लाल पान की बेगम कहानी थी, अगर आप आगे होते तो लोट लोट के पेट फूट जाता, ऐसी मतलब खुंकार लेडीज थी कि पूछो मत। तो भाई वाह ने तो बैंड बजा दी, मतलब छोरा को भी बढ़िया ठुकाई कर रही है, छोरी की बढ़िया ठुकाई, एक मतलब गाड़ी में बैठने के लिए उसने क्या क्या किया भाई, छा गया मतलब। चलो खैर अब यहां से प्रेम कहानी पर ध्यान देते हैं। सुनो लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा, ना मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही थी, वह नहीं तो ग्रीस कह रहा था, किंतु वह जो नहीं कहे जा रही थे उसके बाद कभी नहीं कहा। ध्यान से देखो इस पंक्ति को, ध्यान से सुनो, मैं कुछ भी नहीं सुन रही, लतिका ने कहा, किंतु वह सुन रही थी, वह नहीं जो ग्रीस कह रहा था, ग्रीस कह रहा था वह नहीं सुन रही थी, किंतु वह जो नहीं कह रहा था, वह क्या सुन रही है, ग्रीस कह रहा है। आपने जो अभी कहा था ना कि उसके माथे की बिंदी को चूम लिया, तब मुझे याद आया कि मैंने भी ऐसी दो चार पंक्ति लिखी थी और मुझे याद आ गई, तो मैं सुनाती हूँ चार पंक्ति, ठीक है? सुनाइए मैडम, इरशाद मैडम सुनाइए। ना इतना अच्छा नहीं सुना पाऊंगी, बस मैं पढ़ के बताती हूँ कि क्या लिखा था। मैंने लिखा था कि माँ की तरह मेरा ख्याल रखते हो, वाह वाह, माँ की तरह मेरा ख्याल रखते हो, मोहब्बत भी बेशुमार करते हो, वाह, मोहब्बत भी बेशुमार करते हो, मेरे माथे को जब तुम चूमते हो, मेरे माथे को जब तुम चूमते हो, खुदा से दुआएं हजार मांगते हो। सुभान अल्लाह, मतलब कि मोहब्बत भी वही कर रहे, दुआ भी वही मांग रहे, माथे को भी वही चूम रहे। सुभान अल्लाह, वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर से, माँ की तरह ख्याल रखते हो, मोहब्बत भी बेशुमार करते हो, मेरे माथे को जब तुम चूमते हो, खुदा से दुआएं हजार करते हो। भाई जय हो, तो ये मुझे बिंदी को चूमने वाली बात से याद आ गई। क्या बात है मैडम, छा गई आप तो, शाबाश, शानदार जानदार धमाकेदार, बहुत बढ़िया। अरे बिरजू की माँ, बिल्कुल बिरजू की माँ, नहीं मैडम से नहीं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं
मैडम से नहीं कह रहा हूं, मतलब वो कमेंट पढ़ रहा हूं। अरे भाई आपको खुद को बिरजू की माँ तो नहीं समझती हैं आप? भाई साहब खतरनाक थी वो लेडी, तो खतरनाक थी, भगवान बचाए। चलो का कितना कह रहे हैं कि सर के लिए ना, जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए। हाँ चलिए साथियों, ऐसे कमेंट मत पढ़ाओ। चलो, लड़कियों का स्वर पियानो के सुरों में डूबा हुआ गिर रहा था, उठ रहा था। ह्यूबर्ट ने सिर मरोड़ कर लतिका को निरीस भरी देखा, निरीस भर देखा, निमि माफ करना, निमिस निमिस भर देखा। आंखें मूंदे ध्यान मग्न प्रस्तर मूर्ति की तरह वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया? ह्यूबर्ट ने यह गहरी सांस ली और उस सांस से ढेर से थकान उमड़ आई। देखो, अरे मिस वुड कुर्सी पर बैठे सो रही है। अब देखते जाओ आगे धीरे से। डॉक्टर होठों से ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि वह मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें बंद करके झपकी ले लेती है। वो कहता है लेती ये है। मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने नींद की झपकियां ले लेती है। शुरू से ये मजाक ऐसा किया करता था। आगे देख लेते हैं। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मीडोज में ही कुछ लड़कियां नाश्ते के बाद जमा हो गई। सब लड़कियां दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही लेकर जाना होगा, केवल शाम की चाय मेडोज में बनेगी। ये सब गर्ल्स हॉस्टल की बात हो रही है साथियों। किसकी? गर्ल्स हॉस्टल। मैडम आप कभी गर्ल्स हॉस्टल में रही हो क्या? अच्छा नहीं रही। ओके, इधर देखते हैं। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा? कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी पानी में भीगा ठिठुर रहा होगा। शहरों की बारिश का भी मतलब क्या फायदा? पहाड़ों के ऊपर जो बारिश हो रही है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कभी भी बरस जाती है। कभी थोड़ी देर पहले तो शहर बिल्कुल पानी से भरा हुआ, भीगा हुआ, ठिठुक रहा है, ठीक है, और उसके बाद ही उसमें क्या हो रहा है कि पानी नहीं भी है। तो देखो अब मैं पढ़ती हूँ। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चेपल से बाहर आते हुए देखा। पिंक ब्लाउज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश बूंदें तप रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई। नाश्ते के लिए अभी पौन घंटा पड़ा था और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी किंतु शायद इसीलिए वे इन चंद बच्चे कुचे क्षणों में अनुशासन के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। कौन वो सारी लड़कियां? मिस वुड को लड़कियों का ये क्या कर रहे हो सर? ठीक है ठीक है। ओके ओके। मिस वुड को लड़कियों का ये फुलगपाड़ा अखरा किंतु फादर अलमन के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चप्पल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटका कर वो बोले कि छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही हैं और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यही रहते हैं। मिस बुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया। उसको समझ नहीं आया डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते, 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी ठीक है फादर,
मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड पता नहीं आप क्या सोचती है, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेला रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, ये तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकता है। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा, मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी और सब कुछ ही। मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर आप कैसी बात कर रहे हैं, मिस लतिका बच्चा थोड़ी ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर अलमंड अपने दिल में ऐसी बात रखेंगे। निकाले आगे सर ऐसी दकियानुसी भावनाओं को स्थान देंगे, उनको ऐसी मतलब कि उनसे उम्मीद नहीं थी। फादर अलमंड कुछ हतप्रभ से हो गए, बात पलटते हुए बोले, मिस वुड मेरा मतलब ये नहीं था। आप तो जानती है मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है, वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों भावों को से क्रॉस किया ऐसे, ठीक है। फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उसने आगे और कुछ नहीं बोला, उससे कुछ बोला ही नहीं गया। डॉक्टर मुखर्जी से उसकी कभी नहीं पटती थी, इसीलिए मिस वुड की आंखों में वे डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे, किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात से बढ़ाना व्यर्थ था, उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आसमान को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी। यूवर्ट जब पेपर से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा कि जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत से सुर रुई की छुई मुई नसों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों का फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था, पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के इस नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। तो काफी अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है। आगे देखिए, आगे सर को पढ़ने रहते, सर बोर हो रहे। नहीं, पढ़े सर। नहीं, आप पढ़ सकती है मैडम। अच्छा ठीक है, हम पढ़ते। क्या हुआ सर, कहीं और लाडली के ख्यालों में तो नहीं हो गए? लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। लाडली और एक क्या थी, नाम भूल गई इसका। एक अधूरा एहसास। सर चलो ये तो बता ही दो, लाडली को छोड़ो, चश्मे के पीछे भी छोड़ो, क्योंकि आंखें है कुछ नहीं है, लेकिन एक अधूरा एहसास क्या रह गया भाई। एक अधूरा एहसास एक लड़की की कहानी है जिसके जीवन में बहुत कुछ अधूरा है, मतलब और जी आगे भी अधूरा ही होता चला गया। एक्चुअली एक लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 30-32 साल होगी, और जो हमारे समाज में 30-32 साल की लड़की को एक अलग नज़रों से देखने लग जाते हैं, घर परिवार के लोग भी देखने लग जाते हैं, इतने दिन से पढ़ रही है अभी नौकरी क्यों नहीं लग रही, आस पड़ोस के लोग भी देखने लग जाते हैं, और उसके जीवन में हर कुछ सब कुछ अधूरा होता है, क्योंकि इस उम्र में कोई दोस्त भी बनाती है तो वो भी एक अधूरापन के साथ बनाती है। तो फाइनली एक प्रेमी बना था, वो भी अधूरेपन के साथ, ऐसा कोई ऐसा कुछ कहानी, बड़ी प्यारी कहानी है, अधूरा एहसास। समझ गए, हम बहुत समझदार है। अब मैं पढ़ती हूँ, तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया, तो अब तो मैं ही पढ़ना चाहूंगी, आप कमेंट पढ़ सकते हो सर। पुलकी मैम के कंठ से कहानी का बादल ऐसा हो रहा है मानो वीणा वादन हो रहा हो। दिलीप कुमार मीणा जी कह रहे हैं इस बात को, भाई फिर तो आप ही को सुनाना चाहिए। दिलीप बहुत बढ़िया। तो अब हम पढ़ते हैं, सर को देते हैं थोड़ा सा आराम, क्योंकि काफी देर से सर बोले जा रहे थे। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था, क्यूवर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खाई से निकलकर द्वार फैली नीली धुंध को काटता रास्ता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर बोझ एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती है, मिटती नहीं इसीलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। कितना अच्छा इन्होंने रिलेट किया है,
प्रकृति के साथ इनके पियाने बजाने के जो इनका जो शौक है उसको। डॉक्टर क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? उन्होंने क्या क्या डॉक्टर साहब मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं सक्की मिजाज का होता जा रहा हूँ पर बात कुछ भी नहीं है। तो भाई इंसान को खुश मिजाज होना चाहिए, ठीक है, मस्त रहना चाहिए, मस्त मौला होना चाहिए, लेकिन उसको शकी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि कई बार वो शकी बनकर जिंदगी में बहुत सारी चीजों को खराब कर देता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल यार कहानी मतलब तो, देखो मैडम ऐसा है जब से मोबाइल टीवी लैपटॉप अपने जीवन में आए ना लिटरेचर पढ़ना ही बंद कर दिया है। मुझे याद है कि मैं पता है हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं कहानियां, क्योंकि आपको पढ़ाने के बहाने हम भी पढ़ लेंगे यार। लिटरेचर पढ़ने से बहुत सी चीजें व्यक्ति के अंदर पैदा होती हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा। सर करौली में एक नमकीन फेमस है, देव की नंदन की नमकीन है वो, देव की थी। हमारे रैणी की नमकीन बहुत फेमस है, बहुत मिर्ची आती है उसमें, मस्त लगती है भाई, क्या शानदार। मैं नमकीन की बात क्यों कर रही हूँ जरा सुने। वो जब भी नमकीन देता है ना तो वो पन्नी में नहीं देता, एक न्यूज़पेपर में देता था। पानी आ रहा है उसकी नमकीन से, खाना नहीं खाया अभी तक मैंने, दिल अब खाना खा लीजिए अभी खाऊंगी। तो नमकीन आने के बाद जो कटिंग करता था ना पेटी जिसमें नमकीन देता, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मुझे मिलता था पढ़ने का। कभी कोई कहानी, कभी कोई चुटकुला, कभी कोई अच्छी सी तस्वीर, तो मैं कभी उसको बिना पढ़े नहीं फेंकती थी। और आज मेरे आसपास इतनी किताबें, न्यूज़पेपर, फोन, लैपटॉप सब है, लेकिन कहानी पढ़ने से मुझे लगता है कि सर हम बहुत दूर हो गए हैं। मुझे ऐसी ये कहानी पढ़ के मुझे लगा कि वास्तविक जीवन में अब उतर कर आई हूँ मैं, मतलब। एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छा ये आपसे याद आया, अखबार से बात याद आया कि जब मैं 10वीं क्लास तक ये सब पढ़ता था ना तो रेस्ट की छुट्टी हुआ करती थी, एक आधी घंटा मिलता था। तो अपने गांव में यार, अपने गांव में कौन अखबार लगवाए, घरों में थोड़ी ना अखबार आते हैं। तो जो चायों की जो थड़ी हुआ करती थी ना वहां पर अखबार आया करते थे, है ना, चाय की थड़ी वगैरह में अखबार आते, अभी भी आते हैं। वहां पर टीवी भी लगी होती है, तो भाई वहां की बात ही अलग होती है, वहां का जमाव होता है अलग। तो मुझे अखबार पढ़ने का इतना शौक, एक कहानियां पढ़ने का, तो है ना हर सैटरडे एक मधुरिमा करके अखबार आया था दैनिक भास्कर। अभी भी आता है वो तो, अभी भी आता है क्या? बुधवार को आता है वो, आपका पता नहीं। मधुरिमा आया करता था, उसमें तीन चार कहानी आया करती थी, छोटी बड़ी सब तरीके की कहानी आती थी। और मैं जाकर जैसे भाग कर दौड़ कर थड़ी पर जाकर, लोग तो चाय पीते थे, अब स्टूडेंटों के पास चाय पीने के लिए थोड़े ना पैसे हैं, तो जाकर उन अखबारों में लिपट जाता था पढ़ने के लिए, मधुरिमा ये सब पढ़ने के लिए। तो मैं डेली ऐसा करता था ना हम लोग, तो मेरा एक और था, मेरे कजिन था जिसका नाम था भूधर, है ना, उसका नाम ही भूतर है ना। तो हम लोग जाए रहते, तो हमसे दुकान वाले हमसे कहने लगे पटवारी ये आगे पटवारी, हमसे कहने लगे ये आगे पटवारी, अब इनको दे दो अखबार, पटवारी आगे। तो हमसे वो पटवारी कहने लगे ऐसे व्यंग्यात्मक उससे, लेकिन भाई मैंने जितनी करेंगे, हाँ भाई इतनी ज्यादा कहानी पढ़ी है ना मैंने यार कि पूछो मत। मैं पहले कहानियां बहुत पढ़ता था, बाद में आर्टिकल, अब तो मैं आर्टिकल लिखता हूँ, पहले मैं कहानी लिखने लग गया, अब तो मुझे आर्टिकल लिखना ज्यादा अच्छा लगता है कहानी वगैरह के बजाय। अब तो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ नई नई चीजों के ऊपर, काफी जगह छप चुके हैं, बट पहले की बात ही अलग थी यार। वो रेडियो में आता था विविध भारती पर एक नाटक आया करता था, वो क्या नाम था उसका यार, बहुत सारे आया करते थे सर, है ना, ये सब बचपन के सुनता था यार, वो बहुत कहानी आते थे नाटक आते थे। मैं अभी भी अगर स्कूल में जैसे न्यूज़पेपर आता है मैं पढ़ती हूँ, तो मैं उसका अभिव्यक्ति वाला पेज पढ़ती हूँ जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कहानियां, मतलब प्यारी प्यारी कहानी होती है। और मैं एक है ना राशि वाला पेज पढ़ती हूँ, मैं राशि पढ़ती हूँ, आज मैं बीमार होंगी सही भाई। एक बात है मैं राशि वासी कभी नहीं पढ़ता, चाहे मैं अखबार का कोना कोना दो बार छाप जाऊंगा, पर राखी साखी नहीं पढ़ता मैं कभी भी, आज भी नहीं पढ़ता ना पहले से पढ़ता। मुझे राखी राशि वासी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इन चीजों को मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ, मतलब मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ इन चीजों को। राशि वासी नहीं पढ़ता कि अरे लोग तो सुबह राशि पढ़कर ही पूरा दिन को खराब कर रहे हो यार, आज तो कुछ बुरा होने वाला है, आज तो कुछ अच्छा होने वाला है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने कभी राशि नहीं पढ़ता मैडम, कभी भी नहीं, और आज भी नहीं पढ़ता हूँ और कभी भी नहीं।
जितेंद्र का कमेंट पढ़ो, कितना अच्छा लिखा है उन्होंने। चेले हैं अपने, चेले हैं गुरुदेव और आचार्य मैडम जी, कसम से मजा आ गया आज की क्लास में। अरे चेला टाइम पर आया कर, आज की क्लास तो थोड़ी अजीब सी है, नहीं तो मैं आपको बिरजू की माँ बना, बिरजू के बापू बना देता। आज की क्लास में मुझे हिंदी विषय में एमए न मजा आ करने गया का था। अफसोस बहुत हो रहा है। मैंने स्नातक में हिंदी विषय नहीं लिया, मैंने हिंदी से दोबारा एमए कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो चेले, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो चेले। और अभी फॉर्म निकले भी हुए सारी हाँ यूनिवर्सिटीज में, भर दो भाई भर दो। भर दो भाई, बिरजू का ठीक पापा है बना फिर मैं देंगे पढ़ती इसको। हूँ। हाँ भाई पढ़ो। क्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। कैसे उतरती जा रही है? जैसे विमान धीरे 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 आता है और उस पर उतरता है, उस तरीके से। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन रिबन जो चोटी में लगाते रिबन और हल्की आसमानी रंग की फ्रॉक और सफेद पेटियां चमक रही है। स्कूल की याद आ रही है, स्कूल में इसी तरीके से हम ड्रेस और वो बैग लगा कर जाते। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका के गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। बहुत शौक था भाई बालों में लगाने का, जो भी फूल मिल जाए बस बालों में लगाना है। कंटोनमेंट के तीन चार सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा झुक कर सीटी बजाने लगते हैं। और आज की एक बात बताती हूँ आपको, मुझे याद आ गई। मैं 2.5 साल से यहाँ पे हूँ, अभी यहाँ पे मेरी जॉब है। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब एक एक शब्द तक किसी ने नहीं कहा। आज पहली बार फिर क्या हुआ कि मैं और मेरे साथ एक मैडम आते, वो हमने कहा कि चलो बादाम शेक पीते हैं, पी लिया। वहां पे दो लड़के पी रहे थे बादाम शेक, तो अच्छा। स्कूटी रख के हम पी रहे थे। अब मैंने बस देखा था कि हाँ ये लड़का है, ऐसे उसके बढ़िया अच्छा सुंदर लड़का था, पूछे थी तो कोई बात नहीं। फिर हम आ गए ऐसे मजाक करते करते, स्कूटी बैठ के आ गए। फिर हमने शीशे में देखा कि वो पीछे पीछे आ रहा था अपनी बाइक से और उसके पीछे एक और था। फिर हमने सोचा उसका घर ही इधर होगा। फिर हम मुड़कर अपनी गली की तरफ आए, इधर आ गया। फिर मैंने उससे यूं ही कहा मेरी फ्रेंड से कि एक काम कर इधर से घुमा के ला। घुमा के लाया तो फिर वो पीछे आ गया। फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा चकमा देकर हम दूसरे रास्ते से आए और उसने जहाँ मुझे उतारा ना, मुझे उतार के वो चली गई। फिर वो यहाँ पे बाइक को अंदर ले गया, उसने मुझे नहीं देखा और चारों तरफ देख रहा कि कहाँ गई वो स्कूटी वाली। तो पता चला कि वो हमारा पीछा कर रहा था, पता नहीं वो नैन से प्राप्त कर रहा या वो क्यों, लेकिन आज सच में दो लड़कों ने पीछा किया हमारा बहुत देर तक। नहीं और नहीं मैं ये देखो, बात बताना भूल गई थी, अब बता रही हूँ, नहीं नहीं तो अब ये इस बात से मुझे याद आया। नहीं देखो, ऐसा है, ये अगर ऐसी घटना किसी के साथ भी होती है, इनके साथ, आपके साथ हुई, स्टूडेंट्स के साथ भी हो, देखो मान लो कि हमारा लड़के नैन सु तो देखना अलग बात होती है भाई, किसी किसी सुंदर लड़की को या किसी सुंदर वस्तु को देखा, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा पीछा करना खतरनाक है, गलत है, अनलीगल है। ये आपको समझदारी दिखानी चाहिए थी। मतलब कोई बात नहीं, छोटा शहर है, इट्स ओके, चल गया। लेकिन अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो तुम अपने किसी परिजन को या पुलिस को अगर सूचना ना भी करो तो अपने परिजनों को सूचना जरूर करनी चाहिए कि यार ऐसे ऐसे कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। इस बात को सभी लड़के ध्यान पहले रखना ये चाहिए। लगा, पहले के बहुत देर तक ये लगा कि शायद इसका घर ही इधर हो, इधर जा रहा होगा, लेकिन मुझे तो कुछ बातों से पता चल जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियों के अंदर एक अलग ही तरीके की वो होती है ज्ञान इंद्री, जिससे उसको पता चल जाता है कि हाँ। तो फिर जब तक वो मुझे उतार के गई, उसको इतना डर लगा, वो इतनी तेज स्पीड में घर गई। मैंने उसका आराम से जाना, मैं उससे बात कर रही दिन थी की बात कि है ना, पता दिन में, चले, दिन स्कूल में है ना, दिन में से आ रहे थे तब, ये 2 बजे की बात है। बताइए प्यारे तो साथियों आपको। आज पहली बार मुझे थोड़ा डर लगा हाँ तो डर यहाँ की पे। बात हाँ है ही, डर की बात है ही, तो इसलिए अगर ऐसा किसी के साथ भी घटता है तो अपने परिजनों को इस सूचित करो, और संभव हो सके तो 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचित करो। ये 100 नंबर इसीलिए दे रखे हैं, इमरजेंसी के लिए ही, जहां भी रहो पुलिस को सूचित करो कि ऐसे ऐसे मेरे पीछे पीछे कोई ना कोई इस समय पीछा कर रहा है। ये सबको सोचनी चाहिए, इसमें हंसी मजाक वाली कोई बात नहीं है, बड़ी सीरियस मैटर है ये। ओके 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 ओके, अब ठीक मैं है। बार बार, एक कंटोनमेंट आ रहा है अभी थोड़ी देर से, कंटोनमेंट आ रहा है, इसका मतलब था छावनी। कंटोनमेंट का मतलब था छावनी, जहां पर सैनिक रहते हैं उस जगह को कंटोनमेंट कहते हैं। जी मैडम आगे देखिए। दिल्ली दिल्ली में एक जगह है दिल्ली कैंट, उसको दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। और वहां पे बहुत सारे सैनिक ही सैनिक रहते हैं, जो फौजी या पुलिस वाले होते हैं।
मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लती का एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आज अभी यही है। ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुए थी और कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था, जो मतलब पहाड़ियां लड़की होती है उनकी तरह। धूप की तपन से पका गेहूं का रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ डब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हो। कितनी शानदार बात कही है। और आशीष, ये पेन मैंने बस यूं ही पकड़ा है कमांड सर के हाथ में, इसलिए मैं अंडरलाइन नहीं कर सकती। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही है। ये किसने कहा? लतीका ने। तो पीछे रुकना पड़ा। अभी तो कल जा रहे हैं ना मिस्टर ह्यूबर्ट। अभी तक तो यही इरादा है। यहाँ रुककर भी क्या करूंगा। आप स्कूल की ओर जा रहे हैं? चलिए। बस की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसीलिए वो दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी के नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। क्यों वर्ट रास्ता बनाने निकाले क्यों जी बिल्कुल वर्ट रास्ता बनाने के लिए जी मैडम ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर मतलब इधर उधर करके ऐसे, ठीक है, उन्हें बुहार कर गांव में। मैं आपको बता दूं कि झाड़ू लगाने को बोलते बुहारी कर लो, बुहार लो, झाड़ लो, बुहार लो। मम्मी कहती है कई बार, बहुत जैसे दिवाली होती है ना सर, दिवाली के दिन सुबह मम्मी 4 बजे जगाती है। और जैसे ये मेरे घर का दरवाजा है, इस दरवाजे से 500 मीटर इधर का रास्ता झाड़ना है, 500 मीटर इधर का रास्ता, पूरे रास्ता में झाड़ू लगाना है, पूरे घर में छत पर सब जगह, मतलब उस दिन जल्दी जग के फिर नहाना है। तो उसको मम्मी बोलती है जल्दी जाग, तुझे बुहारी करनी है। तो वो क्या कर रहा, अपनी छड़ी से पत्तों को बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था, आधे इधर आधे इधर। लत्ती का पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे जाते थे, फिर हवा में बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद, कभी फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। दोस्तों, कई बार आपने खेत पर या कहीं जाते हुए देखा होगा कि आपके ऊपर एकदम छाया है और सामने धूप है, और आप वहां पे जाएंगे तो वहां धूप है, फिर आगे छाया है। सर, ये क्या होता है? ये मेरे समझ नहीं आया आपसे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आगे पढ़ते क्या मैं है। तो श्वेता का फिर रिप्लाई कर देता हूँ। श्वेता कमेंट्स कर रही है। श्वेता ने काफ़ी अच्छी बात कही है। श्वेता ने कहा कि मैं पहले ऐसा डरती थी, मतलब ऐसा कोई उसका पीछा वगैरह करता था तो पहले श्वेता डरती थी, लेकिन अब पलट कर उनको जवाब देती है तो वो लोग टिकते नहीं उनके सामने। ऐसे ऐसे अराजकता, ऐसे अराजक तत्वों की कमी नहीं है जितेंद्र, आप सही कह रहे हो। ऐसे लोगों को तो मतलब चुन चुन कर इनको ठिकाने लगाना चाहिए। श्वेता कह रही है कि वैसे भी काफी कम ऐसा होता है क्योंकि मेरी स्कूटी में पुलिस लिखा है। पर बेटा सबकी स्कूटी में तो पुलिस नहीं लिखा रहता है ना, और पुलिस लिखा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो मतलब आज आपको तो सर, मतलब जवाब देना ही देना है। सर 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 सर, आप एक काम करें, आप मुझे दोबारा से लिंक सेंड करें, क्योंकि 8 मिनट में खत्म होने वाला है, तब तक मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है? ठीक है, नया लिंक क्रिएट करके आप मुझे भेजें, तो तो लिंक तो थोड़ी देर क्रिएट के मैं ही लिए करूंगा क्लास ना, बीच में स्टॉप हो सकती है, मैं ही तो आप क्रिएट जाना नहीं करूंगा। चाहिए। अभी तो 8 मिनट चलने दो ना, वो कर देंगे बीच में। अभी 8-7 मिनट चल रहे तब हैं। तक मैं पढ़ती हूँ, आप क्रिएट कर लो। लैपटॉप में ही होगा क्रिएट भी। ओके ओके, ठीक चलिए है। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमेट्री की दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था, तो वह अक्सर टहलते हुए सिमेट्री तक चली जाती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गोलों सी बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छुपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर अलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। लतिका
तो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही रसिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता है। तो यहाँ पर देखो उनके मन के भाव आपको पता चल रहे हैं कि वो कैसे महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आगे देखिए जरा, आप बहुत तेज चलती है मिस लतिका, कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ह्यूबर्ट। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं भी बहुत तेज चलती हूँ। आगे देखिए, आप बहुत तेज चलती है मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुमला गया था, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ, देखने को बोलते हैं लोकल में, दिख रहा हूँ, ठीक है। ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। अब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं मुझे तो पता भी नहीं चलता, मैं तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो आई। कोई खास बात नहीं है, वही पुराना दर्द शुरू हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया गया, वे सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती, हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या जरूरत है। मतलब कि कुछ ऐसी बात है जो ह्यूबर्ट को नहीं पता, बाकी सबको पता है। प्यारे साथियों, लड़की को देखकर वो भी कहते हैं कि भाई मैं एकदम फिट हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छाती चौड़ा कर आगे चलने लग गया है। भाई सब बात ही ऐसी, अब क्या करें, मैन विल बी मैन। चलिए, ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट, आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा, क्योंकि उसने ये कहा कि आप तो यूं ही कह रहे हो। उसने लतिका को ध्यान से देखा, वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चित हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए तो झूठ नहीं बोल रही है। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका, डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं डर ही गया, भला 6 महीने की छुट्टियां लेकर मैं अकेला क्या करूंगा, स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियां काटना भी दूभर हो जाता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रक है, कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमुंदी सी खुली रह गई है, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया है। किसके? लतिका के। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया, उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घिर आया। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट, तब मैं बहुत छोटी थी, न जाने कितने बरस बीत गए, हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था, बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद आगे निकाले सर, आगे निकाले सर, निकाल रहा हूँ, गलती से हो गया। वो कह रही है कि मैं दिल्ली गई थी, बहुत कुछ घूमा, लेकिन आजकल सब धुंधला सा हो गया है। वो ये कह रही है किसको? मिस्टर ह्यूबर्ट को, ठीक है। और आगे देखो आगे क्या होता है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे, कुतुब मतलब कुतुब मीनार, याद आया? इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे, सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था, न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौने से लगते थे कि चाबी भर दी और दौड़ रहे हो इधर उधर। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना ही नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे, हवा का वेग ढीला पड़ने लगा, उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने लगे। सुस्ताने का मतलब है जैसे सर सुस्ता रहे ना अभी। नहीं 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 नहीं, सुस्ता रहा हूँ भाई, कौन कहता है यार, चलो ऐसी बात नहीं है, मैं मैडम 12-1 बजे तक चलने दे क्लास को, चलने दो, 12 बज गए क्लास को, 1 बजे तक चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
सुस्ताने का मतलब आप थोड़ा आराम कर रहे और मैं पढ़ रही हूँ, पहले मैं आराम कर रही थी आप पढ़ रहे थे। ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अब मैं पढ़ाता हूँ ये थोड़ा हाँ, देर। मैं पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। तो बादल अब सुस्ताने लगे थे, उनकी छायाएं नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास पुरुष के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान। प्यारे साथियों, आ गया हूँ। कोई बात नहीं, जूम की लिंक मैंने फिर मैडम को दोबारा से भेज दी है, और अब जो दोबारा ज्वाइन कर लेंगी, मैं तो हाजिर हो चुका हूँ। फटाफट आ जाइए, क्या हाल चाल? आवाज़ आ रही है एकदम परफेक्ट, एक बार बता दीजिए मुझे, आवाज़ वगैरह आ रही है क्या? आ गई मैडम, आ गई, एडमिट करने करने। एक्चुअली हुआ ऐसा कि लिमिटेशन होती है 40 मिनट की जूम की, लेकिन जब भी हम लोग क्लास लेकर आते हैं, बता, जब भी हम लोग कितनी भी मीटिंग वगैरह करते हैं ना, जितनी भी हम मीटिंग वगैरह करते हैं, उसमें होता यह है मैडम, जब भी अपन लोग मीटिंग वगैरह करते हैं, सबके सभी उस समय अलग सिस्टम होता है, अब थोड़ा अलग सिस्टम होता है। क्लास चल रही है सर, या मेरे से बोल रहे हो? नहीं, मैं, आप, क्लास चल रही है, आवाज आ रही है सबको, रुक जाइए। अब सब लोग देख रहे हैं हमें। प्यारे साथियों, जब भी हम वैसे जब भी हम मीटिंग वगैरह करते हैं ना, तो हमारी जो जो क्लास है वो ये जूम मीटिंग तुरंत 40 मिनट में बंद हो जाती है, लेकिन जब भी हम क्लास लेकर आते हैं, ये 2 घंटे तक लगातार चलती रहती है। कभी कभी तो रोको ही मत, बोला चलने दो इसको, तो अब जाके 2 घंटे में जाकर हमसे इसने रुकने के लिए कहा है, लगातार ये चलती बार रही। हम इस क्लास का लिंक फिर से शेयर करते हैं सर, क्योंकि हमारे स्टूडेंट बीच बीच में खाना खा के आराम करने लग गए होंगे, मुझे पता है। बीच बीच में उनको लग रहा होगा क्लास बंद होगी, वो चाह ही रहे थे स्कूल की तरह कि इनकी क्लास बंद हो जाए, पर इनको ये पता रहना चाहिए कि क्लास को बंद होने नहीं देंगे हम। आज इसको खत्म करके रखेंगे, चाहे रात के 1 बज जा, चाहे 2 बज जा, चाहे 4 बज जा। बस हमारा उद्देश्य है कि हम भी पढ़ लें आपके बहाने से, हम चाहते तो सो जाते यार, हमारा तो 9 घंटे, 9 बजे से लेकर 9:30 तक क्लास का टाइम होता है मेरा तो, 9 से 6:30, मैं तो 9 बजे से 9:30 बजे तक का क्लास का टाइम होता है, मैं तो सो जाता आराम से, बट आप लोगों के साथ साथ हम भी पढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आज की कहानी थोड़ी रोचक नहीं है, जो आपको चटपटा मसाला चाहिए था वो कहानी अरे नहीं है। बहुत रोचक है आज की कहानी, जिंदगी के हकीकत से जोड़ती हुई है। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ कि इस कहानी को तो पढ़ ही रहे, चलो बहुत अच्छी बात है, आप खानी लेकिन खाना खा लीजिए मैडम, दासू सर की तरह एकदम बेवाइक चलती हुई क्लास में। नहीं, मैं खाना खा लूंगी, कोई बात नहीं सर। मैं एक बात कहना चाहूंगी सबसे कि जब मैं पढ़ाई करती थी ना, मुझे रात इतनी प्यारी थी सर, मुझे रात से इतनी मोहब्बत थी। जब मैं पढ़ती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिन में भले ही मैं अपने पापा भाइयों के लिए खाना बना रही हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर रही हूँ, लेकिन मेरी रात के ऊपर अभी तो सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि अभी तो मेरे पति भी नहीं है, शादीशुदा नहीं हूँ, तो सिर्फ मैं सिंगल हूँ, तो मेरी रातें सिर्फ मेरी है, और मैं रातों से अपने लिए वक्त चुराऊंगी, और इस रात में कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि आगे जाकर मेरी एक पहचान बने। और मुझे याद है कि मैं दिन में सोती थी और मैं रात को जागती थी, और ऐसे ही मुझे कुछ टीचर्स अच्छे लगते थे, जैसे आप अच्छे लगते थे। आपकी कोई क्लास देखना, खुद से कुछ पढ़ना, कभी यूट्यूब पे देखना, कभी टहलते टहलते पढ़ना, और चाहे मेरा मतलब चाहे मेरी ऐसी एक दोस्त रही है उस टाइम पर, तो भले ही वो बुरी है अच्छी है, लेकिन वो मेरी साथी रही है, तो उससे मुझे बहुत गहरा लगाव है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपनी जिंदगी, खासकर जो लड़की है, हाउस वाइफ है, उनको दिन में काफी काम आ जाते, कुछ भी काम नहीं हो ना तो ये काम आ जाते सर, और कई बार तो ऐसा लगता है मैंने क्या किया पूरे दिन में, फिर भी दिन निकल गया। तो आप है ना, रात को ये बोलो कि ये मेरी है, ये किसी के बाप की नहीं है, और इसमें मैं पूरे मेहनत करूंगी अच्छे से, मैं दिन में सोऊंगी खूब लंबे पैर करके, आराम से सोऊंगी दिन में, लेकिन मैं रात में पढ़ूंगी, और मैं रात में ही पढ़ के अपनी पहचान बनाऊंगी, क्योंकि हर किसी को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब कि एडजस्टमेंट करना होता है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई जल्दी सो जाओ, जल्दी जग जाओ, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है जल्दी सोना और जल्दी जगना, और मेरे और सर और हमारे जैसे अनएकेडमी के एजुकेटर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। अब खाना खाएंगे सर भी और मैं भी, तो आप सोचो कि जल्दी कैसे सोएंगे।
तो जब हम नहीं सो रहे हैं तो आप क्यों सोए, हमेशा बिल्कुल इस चीज को साथियों, याद रखें, ठीक है। कभी भी पांव में बेड़ियां बांध करके मंजिल नहीं मिलती है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो चाहत है ना, वो रख ही रह जाती है। बिल्कुल इसीलिए आप आगे बढ़े, कुछ करे, सोचे, अच्छा करे, नया करे, नवीन करे। बिल्कुल इसीलिए साथियों, आपने अगर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि सुना है इश्क में नींद उड़ जाती है, सुना है इश्क में नींद उड़ जाती है, कमबख्त कोई हमसे भी इश्क करे नींद बहुत आती है। प्यारे साथियों, ये शेर आपने सुने होंगे, इस तरह की चीजें। एक जॉन एलिया का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बिन तुम्हारे कभी नहीं आई। जॉन एलिया कहते हैं कि बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। ये जॉन एलिया साहब कहते हैं। हम कहानी शुरू करते हैं आगे। का मुझे एक बहुत पसंद है उनका, कि वो लड़का कहता है उसमें लड़के की तरीके से कि जब भी आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, वाह वाह, आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, क्योंकि मेरे कमरे में इन किताबों के सिवा और कुछ नहीं है। वाह क्या बात है, क्या एक बात लाइन और है जिसको मैं मिस कर रही हूँ। वो कहते हैं कि जब भी आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी जिंदगी में तन्हाई के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। वाह। और फिर लास्ट में ये लाइन आती है कि मेरे कमरे में किताबों के, हाँ, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुझे, लेकिन मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। क्या बात, पूरी लाइन बिल्कुल सेट हुई है इसी तरीके से थी, इसी तरीके से थी। तो मैं आपसे अभी कह रही थी ना कि रात में जागना, मतलब वो सब बता रही थी, वो सब खत्म हो चुका है, अब पढ़ते, ठीक है। हाँ आ जाए जल्दी से लाइन पे बेटा, ये ऐसा तो है कि कभी कभी रात में करो देखिए आप, कभी कभी ऐसा भी लगता है बेटा, ऐसा है प्यार मोहब्बत सब हो जाता है, पढ़ लो बेटा मौका है, इतना लगा लो आप तो, पढ़ लो बेटा मौका है, ये ध्यान रखो बस इस बात को, आगे चलो। इतनी बात है, इतनी बात तो सर है कि जब प्यार होगा और मोहब्बत होगी और लगन होगी और जुनून होगी ना, तभी पढ़ा जाएगा और तभी कुछ नाम कमाया जाएगा। बिल्कुल, नीरसता में कुछ काम नहीं होता। प्यार का मतलब नहीं है कि एक लड़का या एक लड़की से ही प्यार हो, भाई से करो, मम्मी से करो, पति से करो, सास से करो, किसी से ही करो। बड़ी डिप्लोमेटिक हो रही है मैडम, पैदा करता है। सही बात है, सही बात है, सही बात भाई। ऐसा है, हमने तो ऐसे सोचा है कि जब किसी को किसी से प्रेम होता है, खास चाहे किसी व्यक्ति से प्रेम हो, मतलब मेल फीमेल किसी व्यक्ति से हो, या फिर किसी लक्ष्य के प्रति प्रेम हो, अगर उसको प्रेम है ना, तो वो दुनिया की हर चीज से प्रेम करने लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना, तो उसको सब चीजों से प्रेम हो जाएगा, सब चीजों से। उसके जीवन में जो दिखेगा उसको भी, मतलब बहुत खुश रहेगा और सब चीजों से प्रेम करने लग जाएगा। तो भाई प्रेम भी बहुत बेहतरीन चीजों में से एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए लोग, बड़े बड़े शायरों ने बहुत बड़ी बड़ी शायरी लिखी है, और इसीलिए ही हमारी ये कहानी में इस तरह की चीजें आ रही है। जी साथ, चलिए मैडम शुरू करते हैं आगे की बात। जी बिल्कुल। अब मुझे यह अच्छा लगता है, लतीका ने कहा, अकेलापन कुछ अखरा था, अब आधी हो चुकी हूँ, मतलब मुझे आदत पड़ गई है। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है, लॉटरी की बात हो रही है, और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमायूं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवल खेला जाता है, बर्फ पर स्केटिंग होती है, रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है, फौजी अक्सर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं, हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर यूबर्ट। फिर कुछ दिनों बाद विंटर इस क्या लिखा है, स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज, टूरिस्ट, स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं, हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वो हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएंगे, वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है, छुट्टियां खत्म होने लगती है, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं, और मिस्टर ह्यूबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। बिल्कुल, कब छुट्टी खत्म हुई और कब खत्म हो गई, इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, लेकिन आपको पता चल गया कि स्लाइड ऊपर करनी है। बिल्कुल, मुझे पता लग गया। तो आप जैसे ही मैं रुक जाऊं कर दिया करो। ठीक है मैडम,
मैडम मैडम खाना खा लीजिए, क्लास तो अभी चलेगी, अभी तो आज तो इसको खत्म करके छोड़ेंगे। खाना खा लीजिए, थोड़ा कैमरा ऑफ कर देना और खाना खा लो। आप अपने वो अनकेडमी पर एक धांसू सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं वो, तो उनकी मैंने कई क्लास देखी थी भाई, कमाल के टीचर कलम हैं। तोड़ दूंगा मैं, कलम तोड़ दूंगा। तो बोलते आला, अरे आला तो बड़े मजेदार टीचर है, बहुत हंसाते हैं। बहुत 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 मैं प्यारे, भी देखी नहीं वो पढ़ाते भी बड़ा कमाल के, उनकी ट्रिक्स बड़ी कमाल की हैं। तो उनकी तरह आप भी खाना खा ली, मैंने उनकी कितनी क्लास देखी जिनमें वो खाना खाते रहते हैं, बच्चे आ भाई लौंडो करो सवाल और वो खाना खाते रहते हैं। आला, अरे आला, उनकी आवाज ही अलग लगती है सर। हाँ तो उनकी तरह आप खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी खा लीजिए, आप दोनों ही खाना खाने लग जाएंगे तो फिर क्लास कैसे होगी? कोई बात नहीं, हम दोनों बाद में अलग से मीटिंग करके खाना खाएंगे, अभी पढ़ाते बड़े चलिए कोई बात नहीं है, मैं देख रहा हूं। सर पढ़े। लतिका ने देखा कि हुबर्ट की ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देखा, सिट पिटा कर चुप हो गई। उसे लगा कि मानो इतनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही थी। मुझे माफ करना मिस्टर हुबर्ट, कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूं। मिस लतिका, हुबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया। लतिका हुबर्ट के भारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर हुबर्ट, वह पत्र, इसके लिए मैं लज्जित हूं, उसे आप वापस लौटा दें। समझ ले कि मैंने अरे कभी आपको लिखा ही नहीं था। हे भगवान, प्रभु, देवता, महाराज, कभी लेटर दिया था और लेटर का जवाब ही नहीं दिया, और उसका उसको टीस हमेशा उसके दिल में रही है कि क्या मतलब, मैंने ऐसा, मैं क्या इस लायक भी नहीं हूं, ऐसा वैसा करके। और वो कहता है कि मेरा वो पत्र आप लौटा दो, मेरा वो पत्र लौटा दो। वो कहता है कि मेरा वो आप वो मैं पढ़ती हूँ, बिल्कुल अब मैं पढ़ती थोड़ा हूँ। ऊपर ले लेता हूं। लतिका कुछ समझ ना सकी, दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीछे उद्गिंद चेहरे की देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफेद हो गया था। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मेडोज, पगडंडिया, पत्तों, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक के काले काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनिया, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मीडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफेद रिवन सा दिखाई देता है। यहीं पर काट के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाते हुए चल रही है, मतलब कि उनकी चाल ऐसे लहराते हुए। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिया सलाई को दबा दिया, जो तो डॉक्टर ने सिगार सुगलाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। उसने सिगरेट, जो सिगार होता है सिगरेट के जैसा, उसको जलाया, फिर नीचे फेंकी, तो उसने अपनी जो हाई हील है ना, उससे उसको बुझा दिया कि आप तो पूरा जंगल ही जला देंगे। आगे देखो, वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों से गुथी हुई छाया के बीच बैठ गए। उनके सामने एक छोटा रास्ता नीचे पहाड़ी की ओर, पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहाँ पहाड़ की गोद में शकर पारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। तो दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में जो घंटी बंधी रहती है, ठीक है, उसका स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? इस अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। अच्छा, मुझे याद आया दोस्तों, 3 तरीके की आग होती है, हालांकि वैसे 4 तरीके की मानी जाती है। जंगल की आग को क्या कहते हैं, माफ करना, और पानी की आग को क्या कहते हैं, और पेट की आग को क्या कहते हैं, और जो विरह में आग लगती है उस आग को क्या कहते हैं, क्या आप बता सकते हो? चलो मैं बताती हूँ, ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए। पेट में लगने वाली आग को तो जठराग्नि कहते,
जठरानल, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रह में तपते हैं उसको वृह अग्नि बोलते हैं। अब बच्चा आपका एक तो बड़वा नल और एक दावा नल, तो जंगल में जो आग लगती है वो दावा नल है, और जो समुद्र में पानी में आग लगती है वो कौन सी है? बड़वा नल, ठीक है। तो ये चार तरीके की आग होती है, याद रखना। जैसे चार तरीके के नायक होते हैं, नायिकाओं के प्रकार होते हैं, उसी तरीके से मुझे याद आ गया वो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चेला रविंदर कह रहा है कि सर कई दिनों से आशीर्वाद नहीं दिया है, तो चेले रविंदर सुन ले काका, भाई दूधो ना हो पूतो बोलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, जीआरएफ करो, नेट करो, जीआरएफ करो, नेट करो, पीएचडी करो, दूधो ना हो पूतो बोलो कर देते हो। सबसे पहले स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हमारे दादाजी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पूजा दूजा सुख घर में हुए माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, ऐसा वैसा लंबा सुख बताया करते थे वो। तो पहला सुख निरोगी काया है, समझे आप? लेकिन आपने तो पहले कहा दूधो नाओ पुतो भलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। दूधो नाओ पुतो भलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, नेट डीआरएफ करो, पीएचडी करो, प्रोफेसर बनो, मस्त जिंदगी जियो, उसमें सारे आशीर्वाद एक साथ है। ये पूरे ये तो सबको कृपा जारी है यहाँ से, ऐसे आशीर्वाद में ऐसे पकड़ा रहा हूं सबको। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हुई माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, ऐसा वैसा करके मेरे दादाजी सुनाया करते थे हमको बड़े। ये कहानी 45 पेज की है, मुझे लगता है एक घंटा डेढ़ घंटा और चलेगी मैडम। ये क्या इरादे हैं आपको, बीच में छोड़ने के इरादा है क्या? भाग तू बना है भाई साहब, तो खाना खा लो फिर, दासू सर की तरह खाना खा लो। कहता ना सोना मना, उसी तरीके से भागना मना है। चलिए बढ़िया, आप ना खाना खा लीजिए, ऐसा करिए। कोई नहीं, वैसे बहुत कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ। बहुत साल पहले शहरों को ये कहने वाली थी कि वैसे बहुत मोटी हूँ, ना ना तो वो नहीं सरी, एक्चुअली टाइम पर नहीं खाने से भी शरीर में इस तरह का मोटापा आ जाता है। हाँ, ये मोटापा ना खाने से, ना कि खाने से। हाँ, तो टाइम पर खाओ, चाहे आधी रोटी खाओ, लेकिन खाना जरूरी चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कहीं, और मैं उसी का पालन करता हूँ, और अब देख लीजिए। चलिए चलिए मैडम। वह साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था डॉक्टर। अब आप इसको इधर उधर मत किया करो, जब नहीं कर रहा बाबा, नहीं कर रहा मैडम जी, नहीं कर जाता एकदम से। ओके मैडम जी, नहीं कर रहा। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था डॉक्टर, लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे, एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर, लतीका पूछ रही है। अब लेगी भेद उसका। लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा। हाँ भाई, अब मैं आपको आगे कहानी तब पढ़ाऊंगी, अगर कोई हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ा है तो ये बताओ कि अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला, उसका रंगून से क्या संबंध था? किसी ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है तो वो बता पाएगा, ठीक है, वो बता पाएगा। अब मैं कहानी को आगे पढ़ती हूँ, ये क्वेश्चन आपके अंदर डालकर, ठीक है, आंसर बताइएगा जरूर। लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था, मिस बुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे, मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदल कर औंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मूंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल आई। सोचने से क्या होता है मिस गुड, जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने ही वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। ये कौन ये बातें हो रही है उनके बीच में? डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहां भी समझा जाऊंगा मिस गुड, इतने वर्षों बाद मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफी सिरदर्द का काम है, कम से कम मेरे आगे निकाले सर, मेरे बस की बात नहीं है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है, अगली लाइन। लेकिन डॉक्टर, लेकिन
डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। यहाँ रहो वही मरीज मिल जाते, जहाँ रहो वही मरीज मिल जाते। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चला जाऊंगा। जड़े कहीं नहीं जमती है, जो पीछे पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर मैं वह हमेशा डॉक्टर को उच्च श्रृंखला लापरवाह सनकी समझती थी, समझती रही है, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उनका विश्वास है। न जाने क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, यह उन्हें याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह नहीं होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफी चमक सकता था। इसीलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता और दुख भी होता था। आगे निकाले सर। जी। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सलाइयां निकाली, फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफी का डिब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविच और हैमबर्गर दबे हुए थे। थर्मस के प्यालों में कॉफी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर कॉफी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। फिर मिस वुड ने नीचे झुक कर देखा, वह कोहनी पर से टिकाए सो रहा था। ऊपर का होंठ जरा सा फैल कर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा हो। भाई बड़ी अच्छी कहानी है ये तो। अब बढ़िया लगने लगी। उंगलियों में दबा हुआ सिगार, कैसे? अब बढ़िया लगने लग रही है। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी व्हाट डू यू वांट। दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी दूर खिसता चला जाता था। जैसे सर इस पीपीटी को कभी इधर खींच रहे, कभी इधर खींच रहे, कभी ऊपर कभी नीचे। वो तकनीकी फॉल्ट है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा करना चाहता हूँ। तकनीकी फॉल्ट नहीं है, कभी यूं होती है, कभी यूं, कभी यूं। ठीक है, कोई नहीं, चलिए। आई वांट यू। अब नहीं हिलेगी, अब नहीं हिलेगी, बस जूम आउट कर दिया, अब नहीं हिलेगी। खुश, अब सही है, अब अच्छी भी है। ठीक है। आई वांट यू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे से गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो गया था। लड़कियों के छोटे छोटे दल विंडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। पानी गर्म करने के लिए टहनियां तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मीडोज अलसाया ऊंचा सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका झोंका, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों में उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, पानी में सिर डुबोता था, फिर उबकर हवा में दो चार निरुद्देश चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सी कुछ आवाजें नीरवता के हल्के जीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती। मूक लहरों सी हवा में तिरती, मानो कोई दबे पांव झांककर अदृश्य संकेत कर जाता है, देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बाब हेयर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था। तो बेबी हेयर होते ना। आगे देखो, मैडम मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि रात वह डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर देर तक बैठी रही थी और भीतर ह्यूवर्ट पियानो पर सोफा पर नॉकटर्न बजा रहा था। जूली तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी बुरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मैम, मैं किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी,
कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय से परिणत होने लगा। रतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांपकर ठिटक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। आगे निकाले सर, बच्चों का आ रहा है लेटर, बच्चों के लेटर आने लगे मुझे लगता है। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वे झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपने स्कर्ट की तहों में छुपा लिया। जूली जरा मुझे लिफाफा दिखाओ, लतिका का स्वर तीखा कर्कश हो आया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली एक बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। ये क्या है? जूली का चेहरा सफेद पड़ गया था, सफेद फक हो गया एकदम। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की मोहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है ये? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई आवाज सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी और उसने उनका विश्वास नहीं किया। जूली तुम अभी बहुत छोटी हो, जूली के होंठ कांपे, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव घिर आया। अच्छा अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बातें करूंगी। जूली ने ललचाई, एक मिनट, दृष्टि से लिफाफे को देखा, कुछ बोलने को उद्वत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। ठीक है, अब आप देर तक जूली को देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी को 65 बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? उनका भी कभी ऐसे ही मिलिट्री वालों का लेटर आया करते थे उनके पास भी। प्यारे साथियों, मैडम कुछ खा पी लीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं तो सोच लो आप। शायद कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो। उन्हें अनुभूति से, जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजो कर छिपा संभाल कर अपने को छुपाती रहती है, एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वर की खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती है, एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यही इसी देवेदार के नीचे उसे भी यही लगा था जब ग्रीस ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? वे आंखें मूंद सोच रही थी, सोच कहां रही थी, जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच बिछा था, भय का सा पागल सा क्षण। वे पीछे पीछे मुड़ेगी तो ग्रीस को नर्वस चाहट दिखाई देगी। उस दिन से आज दोपहर तक, अतीत तक, एक स्वपन की मानिंद टूट गया, वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से गृह का नाम लिखा था। यानी पेड़ पर उन्होंने अपनी क्लिप से क्या लिखा था साथियों, क्या लिखा था? निरीस का, उस पर उन्होंने ग्रीस का, माफ करना, नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं, क्लिप टूट जाता था, तब ग्रीस ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था तब वह हंसती थी और ग्रीस का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। अपने समय की बातों को वो साथियों यहां पर याद कर रही है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो याद कर रहे हैं। थोड़ा जूम करूं क्या, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो? नहीं, दिखाई दे रहा है, वो उसको क्वालिटी चेंज कर लेना अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। हाँ, लतिका को लगा, बताइए मैं पढ़ू सर? आप कब से पढ़ा रही हैं? पता है स्कूल से आई है तब तक लगातार क्लास ले रही हैं आप। प्यारे साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा, सुनीत त्रिपाठी कह रहे हैं लोकेश सर की वॉइस बहुत अच्छी है, पहली बार किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, मैडम को तो बतेरे आते रहते हैं। ये बताओ मेरी अच्छी नहीं है क्या? सर की तो वैसे बहुत अच्छी है, सर आपकी बहुत अच्छी। प्यारे साथियों, मैं मैडम की दिनचर्या बताता हूँ। उनसे पूछा मैंने, सुबह जगती हैं कितने मैडम? जगती हैं आप कितने बजे? जगती हैं आप 5 बजे तो लास्ट, जगना ही जगना है। 5 बजे जगती हैं आप स्कूल पहुंच जाती हैं 8 बजे से ना आपकी स्कूल? मैं
बताती हूँ मेरी दिनचर्या को, बाद में आप बताना भले ही। 5 बजे देखती हूँ मेरे साथ जो दीदी रहते हैं वो एक वो मिलिट्री के जो ट्रेनर होते हैं ना उनसे कम नहीं है। एक तरीके से बहुत अच्छे कट्टे लंबे हैं। तो वो क्या करते हैं, पूजा या तो तू खाना बना या झाड़ू पोछा लगा, दोनों में से कोई एक काम कर। तो मैं सोचती हूँ यार सब्जी बनाऊंगी रोटी बनाऊंगी तो झाड़ू पोछा ही लगा लू, पतली भी हो जाऊंगी पोछा मारने में ऐसे ऐसे। तो मैं मुझे आसान लगता है कि मैं ये करती हूँ। मैं कह दीदी मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी आप खाना बनाओ। वो खाना वाना बना के टिफिन पैक कर देती है, दूध ले आती है गर्म कर देती है, गर्म करके मुझे दे देती है, पूजन कर लेती है, मेरे टीका लगा देती है, सारा काम वो करती है। ठीक है। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ, ठीक है। और सर मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ अपने 7:30 बजे। 7:30 बजे स्कूल टाइम है? हाँ बाप रे। घर से पता कितने 27 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल है, 27 किलोमीटर दूर। ओके। स्कूटी से जाती हूँ तो मेरे मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगता है। तो आप सोचो मैं कब निकलती होंगी। फिर वहां से 1 बजे निकलती हूँ तो यहाँ पे 2 बज जाते हैं मुझे आराम से आते आते। 2 बजे आके आते ही नहाती हूँ। क्यों नहाती हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में सोच के आती हूँ माइंड सेटअप ऐसा है पढ़ाना है यूट्यूब स्पेशल प्लस, और अगर ऐसे इस हालत में पढ़ाऊंगी तो नहीं हो पाएगा। और नहाने के बाद है ना किसी ने जैसे मेरी आजकल क्या है कि पतला होने का वो चल रहा है भाई, शादी है तो पतला होना है मुझे। तो एक किसी ने बताया कि भाई पतला जब आप नहाते हो ना तो आपको बहुत हल्का फील होता है और आप बार बार नहाने से भी पतले होते हैं। घिस जाता है आदमी, घिस जाता है ना कि है ना, घिस जाता है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं स्कूल से आती हूँ ना मुझे बहुत भारीपन लगता है, लेकिन मैं जैसे ही नहाती हूँ मुझे बहुत हल्का फील होता है। और उसके बाद सर मेरी 3 से 5 यूट्यूब क्लास है, 5 से 6 यूट्यूब क्लास है, 6 से 8 स्पेशल क्लास है, 8 से 9.5 प्लस क्लास है, फिर ये क्लास है, फिर 10 से 11 एक और क्लास है, क्लास ही क्लास है। तो इसका मतलब यह कि जैसे पूरे दिन स्कूल में पढ़ाती हो हारी थकी घर पर आती हो 2 बजे। तो आजकल सर कोरोना में स्कूल ऑफिस बन चुके, सारे दिन कागजी काम करना है, मतलब खड़े होने की दिक्कत नहीं, कुर्सी पे बैठे रहो, परेशानी तो है ना। होमवर्क भेजा, होमवर्क कलेक्ट किया, होमवर्क चेक किया, एंट्री की, बच्चों को कॉल किया, कोई डाउट है तो वो सॉल्व किया, बस ये काम है। सुमित कह रहे हैं सर की वॉइस में पावर है, थैंक यू भाई सुमित। देखो ऐसा है मैडम, पर आप चेलो पावर नहीं, चेलो सुनो मैडम पूरे दिन तो स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, और घर आकर 3 बजे से क्लास लेना शुरू करती हो ना, 3 बजे से क्लास शुरू करती है और वो रात की चलती है 9-10-11 बजे तक। और ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है मैडम के लिए कि भाई इनको पढ़ाना जरूरी है, वो जो चाहे तो 2 घंटे पढ़ाने से भी इनको हो जाता है काम जो भी इनका वो होता है। लेकिन अब जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं क्या पढ़ाता हूँ, पहले 9 से 9:30 पढ़ाता था, पर अभी हम कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, देखो 12 बज गए, पढ़ाते जा रहे हैं इस तरीके से। तो मतलब ये इंटरेस्ट आ रहा है, बस ऐसे चलता रहता है। अब देखो मैडम फिर सोएंगी, फिर सुबह 5 बजे जगेंगी, फिर स्कूल भागेंगी, फिर पढ़ाएंगी। अब देखो कोई और कोई काम ही नहीं है आपके सिवा, हमारे जिंदगी में कुछ नहीं है। तो इसलिए कहते ना कि अच्छा गया तुमने आकर जिंदगी में, अब नया नया सा हो गया हूं तुम्हें पाकर जिंदगी में, अब नया धनुष नया बाण दिया है तुमने आकर जिंदगी में। तो ये साथियों मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आप लोगों की वजह से हमारे जीवन में एक नई राह खुली है। और मुझे लगता है कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई उत्तम कर्म नहीं। इसलिए हम इस कर्म को सहर्ष करते हैं, चाहे कितनी भी हमको तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े, और तकलीफ है ही नहीं, सीरियसली कोई तकलीफ वकलीफ नहीं है, मस्त मजा आता है आप लोगों के साथ, दोस्ती है, प्यार है, मतलब ऐसा लगता है हर शहर में हर जगह हमारे दोस्त हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। जब अब तुम प्रोफेसर बनोगे ना तब तुमको पता लगेगा तुम कितना अच्छा लग रहा था। अब ये रूटीन है मैडम, हेमलता मुझे आज और अभी डाइट चार्ट बनाकर भेजना है। हेमलता कह रही है मैम मैं आपको डाइट चार्ट बनाकर भेजूंगी, बिल्कुल जरूर भेजना, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा मैं कुछ सुनाती हूं, अपोलो 2 में 2 साल वर्किंग रह चुकी हूँ, डोंट वरी पतली हो जाओगी। ठीक है फिर तो आपको और भी लोग धन्यवाद करेंगे अगर मैं पतली हो गई तो। चलो मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, मुझे ऐसे ही बस मेरा मन हुआ चलिए सुनाइए इरशाद, खड़काओ। हाँ भाई चलो खड़काओ ना मैडम, चलो खड़काओ। हाँ सुनाती हूँ, थोड़ा सा मतलब ऐसा खड़काने वाला नहीं है, इमोशनल है तो सुनना। ना ना रोत ले मत सुनाओ लेकिन बालकों को रोता भी नहीं है। अच्छा ठीक सुनो तो सही। ओके
इस दिल के जखीरे में ख्याल सिर्फ तुम्हारा है, इस दिल के जखीरे में ख्याल सिर्फ तुम्हारा है, मुसलसल घूमती यादों में, मुसलसल मतलब यूं ही, वाह, मुसलसल घूमती यादों में यादें खास तुम्हारी है, क्या मुसलसल बात है। घूमती यादों में यादें खास तुम्हारी है, समुंदर की गहराइयों सा इश्क तुम्हारा है, समुंदर वाह क्या बात है। की गहराइयों सा इश्क तुम्हारा है, लहरें टकराए किनारों से तो जाना मिलन हमारा है, लहरें टकराए किनारों से तो जाना मिलन हमारा है, तू लहरों का रुख मोड़ दे, तू लहरों का रुख मोड़ दे और पानी को बहाकर ला, मैं बनाऊं मिट्टी में घरौंदा यही आसियाना हमारा है, मैं बनाऊं मिट्टी में घरौंदा यही आसियाना हमारा है। बस क्या बात निर्मल है, हुआ सुना क्या बात है मैडम, दे। शानदार, जानदार, धमाकेदार, क्या थैंक बात है, छा गई भागी। चेला जितेंद्र है आज कहानी यू सुन रहा है, अपना खास चंटाली है, मैं चेला को प्रमोट कर देता हूँ, चंटाली है पूरा, चेला चंटाली। गुरुदेव और आचार्य मैडम जी का पढ़ाने का अंदाज बहुत निराला है गुरु, बहुत ही जल्द हम सबका वक्त बदलने वाला है, आप दोनों मेरे आदर्श हैं, मैं भी आप जैसे मेहनत करने में भरकस प्रयास कर रहा हूं, प्रयास कर रहे हो चेला, जरूर सफलता मिलेगी, यकीन मान लो, लिख कर ले लो, रात के 12 बज रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, इस दुनिया में कोई आदमी अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करे तो ऊपर नीली छतरी वाला भगवान भी कभी भी उसकी मेहनत को नहीं रखेगा, इतना आप तय समझ लिए साथियों, अगर आपने सच्चे दिल से कोई काम किया है ना तो जरूर वो काम सफल होता है, क्यों मैडम? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं मेरी जिंदगी में इस चीज को बहुत महसूस करता हूं, बहुत मानता हूं, इस चीज को मैं बहुत मानता हूं कि अगर सच्चे मन से कोई काम किया माननी है। भी चाहिए, माननी भी चाहिए सर, माननी हाँ चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना जिंदगी में आपको यूं कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, या फिर तुम तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, तुम्हें क्या करने की जरूरत है, मतलब घर वालों से पैसे मिले, या फिर लोग कहेंगे कि नहीं, तुम तो लड़की हो, तुम तो कभी कर ही नहीं पाओगी, तुम तो मतलब ठीक है अभी, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन हमेशा सोचो कि खुद की भी एक पहचान बनानी है, खुद की भी एक अलग इमेज होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ उसके बावजूद मैं क्या हूँ, जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं एक टीचर हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी भी एक पहचान होनी चाहिए। खाना तो क्या है सर, अकेले रहते तो सर भी बना के खा लेते, सब साथ में रहते तो लड़की सही ही बना बात के है, खिला देती है, लेकिन उसके बावजूद एक पहचान होनी चाहिए, इसीलिए हमेशा ये सोचो। मेरे से एक दिन किसी ने कहा था सर, मुझे बहुत पिंच हुई थी वो बात, और तब मैंने कुछ इस तरीके से लाइन लिखी कि मैं गिरती हुई दीवारों की, मतलब मैं गिरती हुई दीवारों की नींव तो कतई नहीं हूँ, मैं गिरती हुई दीवारों की नींव तो कतई नहीं हूँ, जिस पर रखी जा चुकी है बहुमंजिला, मतलब बहुत बड़ी इमारत रखी जा चुकी है, जिस पर रखी जा चुकी है एहसासों से जज्बातों की बहुमंजिला मीनार, मैं उसी को मजबूती देने वाली एक शिला हूं, मतलब क्या बात है, मैं गिरती हुई दीवारों की नींव नहीं हूं, मैं तो एक ऐसे बहुमंजिला मकान में एक पत्थर हूं, एक मजबूत शिला हूं जो टिक चुकी हूं, ऐसा सोचो हमेशा, प्यारे अच्छा सोचो। बिल्कुल तो चलो पढ़ते हैं, प्यारे साथियों, आप मैं पढ़ते हैं। आपको मैडम के बारे में बताऊं कि मैडम अभी 2 दिन पहले इनका फिर एक सिलेक्शन हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल में, पीजीटी में, इससे पहले मैडम 4-5 नौकरियां छोड़ चुकी हैं, वो सब इंस्पेक्टर के पद पर उनका चयन हुआ है, डीएसएसबी में उनका चयन हुआ है, अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार में शिक्षिका हैं, ऐसे मतलब 4-5 जगह से वो नौकरी छोड़ चुकी हैं, और अभी 2 दिन पहले ही उनका आर्मी पब्लिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, और अभी वो पूरे दिन स्कूल जाती हैं, अगर अगर वो चाहें तो केवल 2 घंटा पढ़ा लें यहाँ पर, अपना आराम करें, लेकिन तब भी हम देखो रात रात पर जाग जाग कर आपको पढ़ा रहे हैं, कारण क्या है? समर्पण, कुछ करने की। जो अभी मैडम जो हैं ऐसे गांव से हैं भाई, हम सब लोग गांव में देहात से, वहां पर लड़कियों का काम क्या है, जैसे ही लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई शादी कर देते हैं, और उसके बाद में उसकी पढ़ाई लिखने के सपने वहीं बिखर जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ी है कुछ, देखो अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है, वहां पर पढ़ा रही हैं, गाँव की इनके गाँव की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन रही है, कस्बों की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन रही है कि भाई ये पूजा की तरह बनना है हमको, तो अगर हम चाहते तो इस क्लास में रात के 12 बज रहे हैं इस समय पहले ही बंद कर देते भाई, चाहते तो बंद कर देते ना, लेकिन नहीं चाह रहे ना ऐसा, क्योंकि हम आपसे ज्यादा तपस्या करेंगे, और मैडम मेरी तो फिर भी मैं तो आराम करने के लिए टाइम मिल जाता है, मेरी तो सुबह 9 बजे से क्लास रहती है, मैडम तो 5 बजे जगती है भाई साहब, 5 बजे
5 बजे जगती है, नहाती धोती है, खुद के स्कूल पहुंचती है, नहीं तो सरकार डंडा कर देगी। स्कूल पहुंचती है, वहां पर पूरे दिन हेडमास्टर ने चिढ़ती है कि इतना पढ़ाती है, इतना नाम, इसलिए इससे ज्यादा काम करवाती है। हेडमास्टर चिढ़ती इसलिए ज्यादा काम करवाती है। और फिर हार थक कर आती है, दोपहर में खाना खाते हैं, नींद आने लगती है, लेकिन सोती नहीं है नींद आने के बाद भी, क्योंकि तुम्हारे लिए क्लास लेती है, क्लास पीपीटी बनानी होती है, बहुत काम रहते हैं, क्लास के अलावा भी पीपीटी बनानी होती है, बहुत काम रहते हैं, फिर क्लास लेते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं यार, ये जीवन सिकंदरों को याद करता है, बस सिकंदरों को याद करता है। एक घंटा रहता है ना सर, जिसको मैं स्कूटी पे बैठ के जाती हूँ, उस एक घंटे में भी मैं फालतू टाइम नहीं बिताती, उस एक घंटे में मैं क्लास क्रिएट करती हूँ स्कूटी पे बैठे बैठे। चलिए साथियों, अब कहानी पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल हाँ, लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे वह लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथों से छीने ले जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में उसे खोजने का उपक्रम करती। जब खोई हुई चीज याद रहती इसीलिए भूलने का वह नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती, बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो भूलना भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है, अनजाने में ग्रीस का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। वह वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था, तब उससे अपने पर ग्लानी होती है। वह फिर जान बूझ कर उस घाव को कुरेदती है जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अदमिटे नाम लतिका की ओर निस्तब्ध निरीह भाव से निहार रहे है। मीडोस के घने सन्नाटे में नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाजें गूंज जाती थी, व्हाट डू यू वांट। तिल्लिया, झींगुर, जुगनू मीडोस पर उतरती हुई सांस की छायाओं में पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग पहचाना जा सकता था वह एक स्वरता की अविरल धारा में घुल गई थी। घास के अपने पैरों को पोंछता कोई रेंग रहा था, झाड़ियों के झुरमुट में पैरों को फड़फड़ाता हुआ झपट कर कोई ऊपर से उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं है। मीडोज के झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियां और पहियों की चीतकार गूंजती रही हो। मैडम एक काम करिए, धैर्य रखो, एक काम बात ध्यान से सुनो। ऐसा करो, एक बार आप जाओ और वो नींबू वाली चाय बनाओ अपने लिए, मस्त वाली एकदम, या फिर कॉफी या फिर ग्रीन टी, लेमन टी, जो भी टी पीती हो बनाओ अपने लिए, लेकर आओ। ठीक, जब आप चाय लेकर आ जाओगी तब फिर मुझे दीजिए थोड़ी देर, मैं बना कर लेके आऊंगा, फिर मेरे लिए लेके आऊंगा। देन ऐसे करते हैं, जाइए। अरे नहीं, आप जाइए, पर ठीक है, ठीक है, पर आप जाइए, सुबह से कुछ खाया नहीं, आप जाइए, मैं कह रहा हूँ ना, जाइए, आप जाइए, मैं पढ़ता हूँ जब तक, जाइए। जो को मेरे आका साथी, जाइए। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं आपसे, क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से, मैडम ने कुछ खाया नहीं है, तब से पढ़ाए जा रहे हैं, तो देन हम ऐसा कर लेंगे। पिकनिक कुछ देर तक चलती है किंतु बादलों की तह एक दूसरे पर चढ़ती रही। पिकनिक का सामान बटेरा जाने लगा। मेंडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग ये अजीबो गरीब चीजें बटोर लाई थी, कोई किसी पंछी के टूटे हुए पंखों बालों में लगाए हुए था, तो किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेत बना दी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमाल नाले में पकड़ी हुई छोटी बालिश भर की मछलियां को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड से छिपाकर एक दूसरे को दिखा रही थी।
प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 10 बजे क्लास पेपर वन की है कल, जिसमें आपको रीजनिंग रिवाइज कराऊंगा। तो इसलिए रीजनिंग और मैथ का बड़ा पार्ट है, इसलिए मैंने दो क्लास है, एक तो 10 बजे पेपर वन की है, 1 बजे भी पेपर वन की है, और 3 बजे क्या साथियों स्पेशल क्लास किसकी है, इसकी है। तो लगातार कल तीनों स्पेशल क्लास में जरूर से आना, कोई शुल्क नहीं लगता है। 1 बजे और 10 बजे पेपर वन की है और 4 बजे हिंदी की क्लास है, जरूर से आना आप लोग। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आके निकल गई, मिडोज से पक्की सड़क तक 3-4 छलांग की चढ़ाई थी, लतिका हाँपने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ गए, लतिका के पास पहुंचकर वे ठिटक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ युगिन अंग्रेजी में कहा, थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़ रहा हूं ठीक है, सॉरी मैडम आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं, माफ करना। शायद डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका ने होठों पर एक थकी सी ढीली मुस्कुराहट बिखेर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चंडाई है कि खत्म ही नहीं हो रही है। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उठाकर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक से तुम कहां रह गए डॉक्टर, कहीं दिखाई नहीं देते। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग, मेरा मतलब मिस वुड पास बैठी थी, मुझे लगा कि मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूंछों के कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती थी, लतिका ने थर्मस से कॉफी को मुंह में उंडेल लिया, शायद कुछ कहती लेकिन बदकिस्मृति से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कम वक्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। ये बात कौन कह रहा है, इस बात को आप देख लीजिए, डॉक्टर साहब इस बात को कह रहे हैं। आगे देखते हैं। इस दौरान जब दोनों बात कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड में शादी थी मेरी, संजय संजय जी कह रहे कि मैम की शादी हो गई, शादी नहीं हुई। मोटर संग चढ़ती रही, चीड़ और बाज के वृक्षों की कतारें सांझ के गिरते अंधेरे में डूबने लगी, मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए हों। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था, उसके नीचे पहाड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लगे थे, मानो किसी की टोह से स्तंभ ठिटक गया हो। डॉक्टर मिस हुबर्ट पिकनिक पर नहीं आए, डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया, किस लिए। यार एक बात बताओ, परिंदे इतनी फेमस कहानी है, दुनिया नाम जानती है परिंदे का, और परिंदे को पढ़ भी रहे हम, इतनी लंबी कहानी क्यों लिख दी। एक तो मुझे यही समझ नहीं लगा, निर्मल वर्मा जी ने इतनी लंबी कहानी लिख दी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, पर अब होने वाले हैं, 3-4 पन्ने घट रहे हैं बस। अंधेरों में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा, पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेश होता जा रहा है, हुबर्ट की छाती का दर्द शायद मामूली नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूं, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने फेफड़ों का एक्सरे करा लें, इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा है? अभी तक कुछ नहीं कहा, ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठा है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लतिका भी सड़क पर अंधेरे में छाया की चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर लतिका का स्वर भर्राया हुआ है, क्या क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर मिस ह्यूबर्ट। डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी लतिका पर उठा दी, देखा कि लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। क्या उसका चेहरा क्या साथी यहाँ पर पीला यहाँ पर पड़ गया है, और वह रह रहकर पत्ते सी कांप रही है। क्या साथियों, रह रहकर पत्ते सी कांप रही है। मिस लतिका क्या बात है,
आप तो बहुत डरी जान पड़ती हो। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ रहा है। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर आंखें ऊपर उठी और पक्षियों का बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे उनकी ओर आ रहा है। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर इन पंछियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दियों की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं, कुछ दिनों के बीच इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजान देशों में उड़ जाएंगे। बहुत फास्ट चल रहा हूँ मैडम मैं। आराम से वही मैं कहने वाली थी। आराम से कितना आराम करेंगे, पिछले 3 घंटे से लग रहे हैं 9, 10, 11, 12। कोई बात नहीं। कुछ खाया कि नहीं खाया, ऐसे ही आ गई हैं? सच बताओ क्या खाया है? एक क्या होती है, चपाती पक्का। चलो तो आप कहानी पढ़ो। हम भी भोजन करते हैं थोड़ा बहुत। कहां तक पढ़ा है? अब तो मैं अंडरलाइन भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सर के पास ही चलता है ये पेन। क्या बे, सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहां के लिए, हम कहां जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मीडोज के झरने के वो तेल स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका हुआ डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने में भी नहीं पाते कि हवा के थपेड़ों से धकेल दिए जाते। दूसरे दिन तड़के का मतलब होता है सुबह, तड़के ही बस पकड़नी थी, इसीलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई तो उस समय कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं क्या कर रहे सर? कोई बात नहीं, चलो कहाँ ले गए? यही तो है मकान अपने, एकदम से देखो देखो यही है। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिए के दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मैम साहब, तुम क्यों नहीं आए, सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की सर आगे निकाले उसके शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता, दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वे गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैं से कुछ अले तौलियों को उतारा और लैंप के शीशों की गर्द पहुंचने लग गए। लतिका की अंधबुदी आंखें खुल गई। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहां भटक रहे हैं। पानी गर्म करके कुछ देर के लिए बाहर गया था। वापस आने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेते लेते पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। ह्यूबर्ट इतनी रात को कहां गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर आंखें मिचौनी खेलते हुए अपने कमरे में दिया को छू लिया है। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी। हर चीज को उससे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है। जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं है, अपनाने की फुर्सत नहीं है। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में, आलोक मतलब की प्रकाश, आलोक में हवा में कांपते परिंदों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने की खिड़कियों के शीशे चमक चमक जाते थे। दरवाजे चटकने लगते थे जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटका रहा है।
कॉरिडोर से अपने अपने कमरों से जाती हुई लड़कियों की हंसी, बातों के कुछ शब्द, कुछ सब कुछ शांत हो गया, किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप को धीमा सा सी स्वर सुनती रही। तब तक स्वर भी मौन का भाग बनकर, सर आगे निकाले सर, जी हाँ। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा कांपते, पर्दों की छायाएं हिल रही, बिजली कड़कने से खिड़की के शीशे चमक चमक जाते, दरवाजे चटकने लगते जैसे कोई बाहर से धीरे धीमे धीमे खटका रहा है। कॉरिडोर से अपने अपने कमरे में जाती हुई लड़कियों की हंसी, कुछ बातों के शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया, किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप को धीमा सा सी स्वर सुनती रही। कब तक स्वर में मौन का भाग बनकर मूक हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही है, बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है और फिर सहसा आवाजें धीमी पड़ जाती है। मिस लतिका जरा अपना लैंप ले आइए, कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई थी। दोस्तों फिर देखो क्या होता है, कॉरिडोर में अंधेरा था, वे 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरी, लैंप नीचे किया, सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रख दिया था। उसकी एक वहां जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए, ह्यूबर्ट ह्यूबर्ट, डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया, विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झिंझोड़ गया। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंचाए थे, कमीज का कलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली हो गई थी। सर ऊपर करें, शराब पी के आए आज वो बिस्की। कौन? ह्यूबर्ट। सर ऊपर करें स्लाइड को। ओके करते हैं। बाबा थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया। आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा। इन एक वेल लैंड ऑफ द सिटी देयर इज द गर्ल यू लव मी हाउ यू वर्ट हिस्ट्रियों के बीच गुनगुनाता जा रहा था। कहते हैं ना कि जब इंसान शराब पीता है तो सही कहता है, तो वही आ गई प्यार की बात जुबान पे। आगे देखो, ह्यूबर्ट प्लीज प्लीज, डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया, दीवार पर उन तीनों की छायाएं डगमगाने लगी। आगे देखो, इन पर वेकलैंड ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल यू लव मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर लटकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था। डॉक्टर हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर के छत से टकराकर देर तक हवाओं में गूंजती रही। प्यारे साथियों, कौन कौन हमारे साथ अभी तक लाइव क्लास को देख रहा है यार, इतनी हिम्मत किस में है कि क्लास को 12:30 तक देख रहा है। एक बार दरबार में हाजिरी लगा दो, शेरा वाले का नाम लेके एक बार दरबार में हाजिरी लगा दो। कौन कौन है लगा दो सारे चेले, एक बार हाजिरी लगा दो भाई, नाम लिखो अपना भाई, मैं देख कौन कौन क्लास को देख रहा है। चलिए सब प्रेजेंट लगाइए अपनी और मैं पढ़ती हूँ फटाफट से कहानी को। आप आराम, आप आराम करिए, आराम करिए। नहीं नहीं नहीं, ये बीड़ा मैं उठा लेता हूँ, आराम करिए। हाँ ये बीड़ा नहीं है, ये मुझे पढ़ना है। ह्यूबर्ट डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया, फिर अपने गुस्से पर ही उसे चीज सी हो आई। अब ह्यूबर्ट पीठ थपथपाने लगा, कुछ बात नहीं है ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। ह्यूबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी, उनमें एक भयभीत बच्ची किसी कतरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मुझे उतरवा। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट अपनी कोहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर की आंखें फाड़कर उसे घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट, गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली,
गुड नाइट मिस ह्यूबर्ट, लती काका स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद भी आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। रुक जाइए, सब चेलो, मैंने हाजिरी लगाने के लिए कहा था दरबार में, तो सब लोगों ने हाजिरी लगा दी है। साथियों, हाजिरी लगाने में श्वेता है, चेला है, चंटाली हेमलता है, कमला है, और उमेश कुमार है, भगवान है, और रेनू है, चेला जितेंद्र है, पवन है, आशीष है, हेमलता है, सुमित है, दर्शिका है, पूनम है। ओ भाई, यही करेंगे, यही लाएंगे क्रांति, यही लाएंगे क्रांति। देखो, जो अपने शरीर को परेशान कर सकता है ना, वो इतना जुनूनी हो सकता है सर कि वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कितना मुश्किल है, बैठकर लेटकर जैसे भी वीडियोस देख रहे होंगे, काफी मुश्किल होता है पढ़ा रहे हैं। और जब दो टीचर पढ़ाते हैं ना तो बोरियत नहीं होती, हमें तो बिल्कुल भी बोरियत नहीं हो रही, लेकिन बच्चों को कितनी समस्याएं होती है सर, वीडियो पूरी पूरी देखने में ऐसा लगता है कभी कभी बंद कर दे कर दे, लेकिन ये कहानी बंद होने ही नहीं देगी। अब मैं पढ़ती हूँ। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के पास सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादल की परतें जब कभी एकहरी हो जाती, तब उनके पीछे से चांदनी वुस्ती हुई आग के धुएं सी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब के बार में उन्हें देखा था, मैंने पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई, उन्हें अभी एक दो मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन के झिंगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता की ओर और भी अधिक घना बना रहा। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिरियायत सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं, और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा, वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा हुआ था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, ये भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती है मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है, और यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी नहीं निकलता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ, लेकिन डॉक्टर लतिका का गला रुंध आया था। क्या मिस लतिका, क्या मिस लतिका, डॉक्टर सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही है, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा है, शायद अभी कभी नहीं मिल पाएगा। यह जो आपको फादर अलवंड ही बता सकेंगे मिस लतिका, डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका, गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सहर उठा। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कापियां अखबारों और रद्दी को ढेर लगा दिए, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंके से इधर उधर बिखरने लगे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे में प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खिंच आई है। लतिका को कुछ याद आया है। वह कुछ क्षणों
तक सांस रोके जूली के कमरे से बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। कहानी होती है समाप्त। क्या सीख मिलती है इस कहानी? तो पूरी कहानी में जुड़े वही बता पाएंगे। सर क्या हुआ? देख रहा हूं कि जो उस जो वो पहले उसने किया था फौजी के साथ, जो उसके वो थे कि वो जूली को रोक रही थी और आखिर की बात उसने वो लेटर जूली को दे दिया। निर्मल वर्मा जी ने ये कहानी लिखी है, मतलब अब कल हम कोई रोचक कहानी पढ़ेंगे, एकदम हर्षवर्धन वाली मस्त वाली कहानी पढ़ेंगे कल। कोई कोई सर को तो हंसने वाली मजा आता है। अरे कल बिरजू की मामा भाई, बिरजू की माँ कमाल की थी यार, मतलब मजा आ गया बिरजू की माँ पढ़ कर। प्यारे साथियों, यहाँ पर हमसे बार बार सुमित कह रहे हैं, लोकेश सर जी हिंदी में 18 प्रश्न क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए बुक बता दो प्लीज। लोकेश सर, सुमित भाई कल 10 बजे पेपर वन की क्लास आती है, अनअकैडमी पर आ जाओ, हिंदी वाली क्लास देख लो। बुक्स तो हमारे पास बतेरी पड़ी है, 4 दिन पड़ेगा, 5वें दिन ना पड़ेगा, लगातार क्लास में आएगा तो लगातार क्लास देख लेगा। और मैं क्लासों में सारी चीजें आपको समय समय पर बतलाता रहता हूं। क्लास में आओ, मस्त मजा आएगा। मैं ये नहीं कर रहा तुम पेड क्लास ज्वाइन करो, फ्री वाली क्लास ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्लास ज्वाइन कर लो अनअकैडमी पर। फ्री वाली ज्वाइन कर लो, डेली होती है क्लास 10 बजे 4 बजे हिंदी की होती है, तो वहां पर मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ। कहने का मतलब ये है, कहानी पढ़ के बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन आप लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दे। और देखो धीरे धीरे और लोग जुड़ते जा रहे हैं, जग जग के आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चेला हर हालत में सक्सेस होना होगा, असफलता हो ही नहीं सकती हमारे चेलों को, असफलता मिल ही नहीं सकती, पूरा आशीर्वाद है, एकदम पूरी कृपा जा रही है धुआंधार तरीके से, चिंता मत करो 100% सफलता मिलकर रहेगी। प्यारे साथी, आज की कहानी बड़ी प्यारी थी मैडम, है ना? बहुत अच्छी। आप आज की कहानी बड़ी, मतलब मुझे तो बड़ी मस्त लगी। आपका क्या ख्याल है आज की कहानी के बारे में? स्थान बदल लिया है मैंने, देखो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप तो मेरे से लंबे हो, तो आप मेरे से बैठ के तो छोटे क्यों लग रहे हो? अरे नहीं मैडम, आप मैं लंबा नहीं हूँ आपसे, आपसे लंबा नहीं हूँ। मुझे पता है आपने कुर्सी नीचे की हुई है और मेरी कुर्सी ऊंची ज्यादा है। नहीं आप तो मेरे बाजू में तो बैठी हैं, ये बैठी मेरे बाजू में, देखो ये बैठी है आप, तो मुझे तो पता है ना आपकी कुर्सी कितनी है, कितनी नीची है। तो साथियों कैसा लगा? आज तो मैंने 3 बार लाइक कर दिया और श्वेता अब तक रुकी हुई है, चेला जितेंद्र अब तक, भाई श्वेता कमाल कर गई। श्वेता एकदम पक्की स्टूडेंट है, कोई आए ना आए, श्वेता और आशीष जितेंद्र, कुछ स्टूडेंट ऐसे नहीं है, एक दो नहीं, सारे स्टूडेंट जो अब तक टिके वो ऐसे हैं। हाँ भाई, हर क्लास में हाजिर लगाते हैं, अच्छा लगता है यार, सीरियसली गाइस अच्छा लगता है। चाहता तो हम देखो चाहते तो इस क्लास को हम आधे घंटे एकदम एक घंटे में खत्म कर देते, हमारा क्या है, वापस 3 पार्टों में बना लेते इस वीडियो को, हमको तो 1, 2, 3, 4 लिखना पड़ता। बट ये कहानी 4 घंटे में खत्म हुई है सर, पर 4 घंटे लगे इस कहानी, 1 बज गया, बताओ 1 बज गया, 10, 11, 12, 1। बहुत धन्यवाद बोलनी है पूनम मैडम आपका, थैंक यू सो मच आप सभी का। लो भाई सब कह रहे हैं, मजा आया पढ़ाने, ये ले तनका खड़ा हो गया अब तो भाई, अब बड़ा लग रहा हूँ ना। नहीं भाई मैडम ही है भाई अपन से तो बड़ी लंबी। नहीं सर वो आपकी कुर्सी ज्यादा नीचे है, चलो भाई मान लेते हैं, ऊपर करो वहां से घुमा के, कोई बात नहीं है आप उसे देखिए। और आपके मुझे पता है कि आप है ना अपनी कुर्सी को बहुत पीछे लेकर बैठते हैं। प्यारे साथियों एक बात बताना चाहूंगा, कल आपके लिए रोचक कहानी आने वाली है, मस्त मंद वाली, मस्त ढूंढ के रखूंगा ऐसी टनाटन कहानी। जो कल कौन सी कहानी पढ़ाएंगे बताइए, अभी कोई डिसाइड नहीं है, कल देखेंगे, कल देखेंगे। हाँ अब सो जाते हैं सब। हाँ सुमित भाई कह रहे नींद नहीं आई किसी को, इंतजार कर रही है।
आप तो खाना भी नहीं खाया, खाना खाइए। एक मैं जो स्टूडेंट अभी तक देख रहे हैं उनसे मैं बात बताना चाहूंगा कि भाई हमारी अनअकैडमी में फ्री और पेड दोनों टाइप की क्लास होती हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है तुम पेड क्लास ज्वाइन करो, लेकिन आप फ्री क्लास एक बार ज्वाइन करके देखो। सबसे बड़ी बात तो मैडम ये है, तो आज हमने पढ़ा दिया था मेरे परिंदे बिल्ली कहानी नाम को। के बारे में भी बता दीजिएगा बच्चों को, कल मैं क्लास बहुत स्पेशल ज्यादा लूंगी। हाँ ऐसा करना, पूजा पूजा मैडम अनअकैडमी लिख के टेलीग्राम पे सर्च करना, पूजा मैडम का आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अनअकैडमी तो ये थे निर्मल वर्मा जी हमारे सामने, जिसने हमने कहानी बताई इनकी। आप नोट्स वगैरह देख लेना, टेलीग्राम पे सारी चीजें मिल जाएंगी। सारे साथियों की जेआरएफ तांडव आने वाला है 3 दिन के लिए, जेआरएफ तांडव, जिसमें हिंदी साहित्य और पेपर वन को दोनों को कवर करवाने वाला हूँ। 30 दिन की रणनीति के साथ चल रहे हैं। आपकी कल मेरी जो क्लास होने वाली है, कितने 10 बजे एक क्लास होगी और दूसरी क्लास होगी 1 PM पर, पेपर वन की। 1 PM पर पेपर वन की क्लास होगी, दूसरी मैथ रीजनिंग की, मैथ प्लस रीजनिंग की होने वाली है। और 4 PM होगी हिंदी साहित्य की क्लास। तो इस क्लास में आप वो जरूर से लिंक आना। शेयर कर देंगे, वो कोई बात नहीं है, लिंक शेयर कर देंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लो आप। हाँ पहले साथ जो भी साथी प्लस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अभी ऑफर चल रहा है 31 तारीख तक, 6 महीने और 12 महीने पर अगर आप ज्वाइन करोगे तो आइकॉनिक और प्लस आपको 2 महीना एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये काम आप जरूर से करना। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है डॉक्टर लोकेश बाली अन अकेडमी, जाके ज्वाइन करो। और पूजा मैडम का नाम है पूजा मीना अन अकेडमी। इसको इसको ज्वाइन कर लो, सब कुछ मिल जाएगा हाँ एकदम। स्क्रीनशॉट तोड़ लो इसका, स्क्रीनशॉट तोड़ लो, स्क्रीनशॉट तोड़ लो इसका। तोड़ लिया स्क्रीनशॉट, तोड़ लिया सबने, तोड़ लिया। इसको सर्च कर लो, यहाँ पर हमारे चैनल मिल जाएंगे, यहाँ पर सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ये हमारा ऐप है जो टक टक करके घूमता हुआ आ रहा है। इसको डाउनलोड करो, लॉगिन करो और गोल सेलेक्ट कर लो इंटरनेट का, और फिर मुझे वहां पर लोकेश कुमार मीणा के नाम से फॉलो सर्च कर लो, और पूजा मैडम को पूजा कुमारी मीना। मैं पूजा मैडम कल स्लाइड लगा दूंगा, कल हमारी क्लास में आती हैं डेली, तो पूजा मैडम की स्लाइड लगा दूंगा साथ में, तो आपकी आसानी रहेगी कल की क्लास में। तो पूजा कुमारी मीणा के नाम से सर्च करोगे पूजा मैडम को, तो वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है साथियों, तो यहां पर देखो मैंने हिंदी भाषा व्याकरण का मैंने एक बैच चला रखा है, मैंने आपको बहुत सी चीजें पढ़ा रखी है। मेरा और पूजा मैडम का बैच कमाइंड बैच भी चलते रहते हैं यहाँ पर, तो मैंने पेपर वन भी पढ़ाता हूँ मैं आपको और हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। तो आइए और इन सभी बैचेज को आप फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो पेपर वन और पेपर टू की अगर ढंग से तैयारी करना चाहते हो तो लॉकेस 11 या पूजा पुल की 10 कॉर्ड का प्रयोग कब कर हाँ, लेना। ठीक है ओके साथी हो, तो ज्यादा फीस नहीं है, नॉमिनल सी फीस दूसरे है। के कार्ड से पेमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। हाँ दूसरे कार्ड से पेमेंट हो जाएगा ना, और क्या। अरे हमारा साथ रहेगा यार, मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा। जैसे PhD कैसे करते हैं, प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, इन सब में मैं हेल्प करूंगा आपको। चाहे आप पुल की 10 लगाओ तब भी मेरे फिर घूम पर का आओगे, चाहे लॉके से लेवल लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेले हमारे रहोगे। ठीक है, तो 6 महीने 12 महीने 24 महीने कोई प्लान चुन लेना, ज्यादा फीस नहीं है। यहाँ पर लगाना है आपको कॉर्ड, रिडीम करोगे तो और भी फीस कम हो जाएगी आपकी, डेबिट कार्ड EMI से पेमेंट कर देना। आइकोनिक के अलावा हमारे प्लस के अलावा हमारे पास आइकोनिक सब्सक्रिप्शन और है प्यारे साथियों। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन की खास बात क्या है कि इसमें प्लस के सारे लाभ मिलेंगे, ऊपर से पर्सनल कोच वगैरह मिलेगा। तो ये काम आप कर लेना, लॉकेस 11 यहाँ पर अप्लाई जरूर से कर लेना। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। तो ये है साथियों हमारा प्लस क्लास के बैचे चल रहे हैं, और भी टीचर्स के बैचे चल रहे हैं, पर ये अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक हैं सारे, ये कॉमर्स पढ़ाते हैं, ये सर भी कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो आप इनकी क्लासेज भी देख सकते हो। ओके, एवरी वेडनेसडे हमारा न्यू बैच स्टार्ट होता है, आप जरूर से ज्वाइन किया करो। ओके साथियों, बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लो। रोज हमारे यूट्यूब पर 9 बजे क्लास होती है, कितने 9 PM हमारी क्लास होती है। तो खाना वाना खा के क्लास विलास में जरूर से आ जाए करो। मैडम कहाँ गई हैं आप, लास्ट बार आ जाइए। श्वेता कहिए थैंक यू मैम एंड सर आपकी तरफ से, जो ओके शब्द कम है इसलिए कुछ बातें शब्दों के बजाय भावों की भावों में प्रकट होती है। आप दोनों का दिल से शुक्रिया, ये कह रही है श्वेता। थैंक यू सेतु, श्वेता भाई थैंक यू। चलो भाई, फिर आज आप सभी को विशेष आशीर्वाद है कि इतनी देर तक बने रहे, और
मैडम देखो, एक बैच मेरा होता है 9 बजे, मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल पर, आप हिंदी नहीं पढ़ाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आप हमारे निमंत्रण पर आई हो और आकर तीन तीन चार चार घंटे क्लास ले रही हो। नहीं तो आप नहीं भी लेती तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो सो रही होती यार, आप खर्राटे बर्राटे ले ला के, है ना। अब ये मत कहना नहीं लेती है। क्लास अच्छा ठीक है, ले रही मतलब हूँ। हम लेते होंगे, मेल लेते हैं, फीमेल नहीं लेती, मैं मानता हूँ। ओके, तो साथियों मैडम हमारे निमंत्रण पर आई और वो लगातार हमारे साथ इस सीरीज में बने रहेंगी। ये आपके लिए साहित्य दर्शन चल रहा है एक तरीके से। वो लगातार आगे 15-20 दिन जो भी ये सीरीज चलेगी, जब तक हम ऐसी कहानी उपन्यास पढ़ाएंगे, मैडम हमारे साथ हाँ, मैं बनी आपके रहेगी। कॉलेज जाऊंगी, मैं इस क्लास में हमेशा आऊंगी, मुझे अच्छा लगता है। ओके अगर भगाएंगे ना तो ही ना भगवो मैं यहाँ से। ठीक है भाई, मैडम आएंगी तो मैडम का स्वागत है, और इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला मैडम, बहुत धन्यवाद आपका। आप अच्छा भी एक बात और है कि हाँ मुझे क्या है, मुझे अनअकैडमी की तरफ से छूट है कि आप जितनी क्लास पढ़ाना चाहे पढ़ा सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आती हूँ इस क्लास में, लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और सर ने मुझे बोला, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे बुलाया अपनी क्लास में, वरना ऐसे कोई क्यों अपनी क्लास में किसी टीचर को बुलाएगा। नहीं मैडम, सब हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारा उद्देश्य एक ही है, अनएकेडमी का एक ही उद्देश्य है कि घर घर तक ऐसे बच्चों तक जो एजुकेशन पहुंचे जो अभी तक पिछड़े हुए हैं, अभाव में जिंदगी जी रहे हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी टीचर्स पर सबका अधिकार होना चाहिए। कल मैं स्पेशल क्लास ले रही थी और बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट कर रहे हैं कि लोकेश सर ना वाकई बहुत अच्छे टीचर है, क्योंकि हर स्टूडेंट को बताते हैं कि भाई तुम्हारी होम साइंस की मैडम आ गई पढ़ लो, तुम्हारे ये सब्जेक्ट की मैडम आ गई उससे जाके पढ़ लो। मतलब वो कभी नहीं कहते कि तुम मेरी क्लास में पढ़ो, वो बिल्कुल, कहते जिसका समझ आए वहां पढ़ो, पूरी अनअकैडमी खुली है आपके लिए। तो मतलब अनएकेडमी बहुत का उदारवादी टीचर बताया आपने। बिल्कुल, अनएकेडमी का यही फायदा है कि मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा समझ ना लगे आपका पढ़ लो, आपका समझ ना लगे किसी और का पढ़ लो। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ऑफलाइन क्लासों में नहीं होता मैडम कि यार एक टीचर आया हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, तो उसी से ही पढ़ना है चाहे वो कुछ जानता हो या नहीं जानता हो। यहां पर आपके पास खुला समुंदर है, जितना उड़ान भर सकते हो उतना उड़ान भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही अंजलि कह रही है, अंजलि दृष्टि कह रही है, सर क्या बात है, मैम एंड सर सल्यूट है, इतनी रात तक क्लास चल रही है। बिल्कुल साथियों, एक बज चुका है यार, एक तो बजना बज जाने देते हैं, 10 मिनट हो रहे हैं, एक बज जाने देते हैं। ओके, और कुछ बात कहनी है प्यारे साथियों? मैडम भी हमारे साथ हैं एंड लगातार अब छोटी सी हो गई मैडम, साथ कैमरा बंद कर लिया उन्होंने, आ जाएंगे। तो हिंदी साहित्य को पढ़ने का तरीका है, क्योंकि अभी हम बहुत कम यूनिट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अनएकेडमी पर आ जाओ, फ्री और पेड आप चाहो तो फ्री क्लासेज ज्वाइन कर लो। 10 बजे रोज पेपर 1 की क्लास होती है। जिन भी लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक कर दो यार। ओ भाई साहब, बहुत लोगों ने वीडियो लाइक कर रखा है, अच्छा लग रहा है यार। यार हाँ अपने तो सर ये बात तो है कि मेरे इस क्लास में आने से आपकी पावर डबल हो गई, बिल्कुल वरना इस क्लास डबल, में क्या ट्रिपल ट्रिपल, मतलब कई गुना बढ़ गई है। बिल्कुल, एक से बड़े बोलो ना, एक एक 11, 1 और 1 11 वाला फील आ गया साथियों। एक और एक 11 होता है और एक 2 भी होता है। हमारे चेले चंटाड़े जितेंद्र, वो उनका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है, लेकिन वो हिंदी अभी तक हमारी क्लास में डटे हुए हैं। जितेंद्र भाई, कल की क्लास में मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, कल की क्लास कहानी पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है, यकीन नहीं, मानो। मैं जितेंद्र से कहना चाहूंगी, जितेंद्र अगर आप मेरी बात मानते हैं ना, तो कल जो कहानी पढ़ाई भाई, अगर किसी ने नहीं पढ़ी ना सर, मुझे इतनी हंसी आई। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद को बिरजू की अम्मा तो नहीं समझने लगी हो? हमारे आप खुद को बिरजू की माँ तो नहीं समझ रही हो? स्कूल की एक मैडम है, तो उनके ना छोटी बेटी है, तो वो जब भी आपकी क्लास चला के रखती है तो वो बेटी रोती है, और जब मेरी आवाज में क्लास चला के रखती है तो वो हंसती है, जबकि बहुत छोटी सी है। तो पता नहीं ऐसा क्या कनेक्शन है। तो कल दोनों की आवाज में उसने चलाई तो बहुत खुश हुई, बहुत हंसी वो, बहुत ज्यादा। तो कल की अगर किसी ने क्लास नहीं देखी ना तो जरूर देखना, मैं खुद इतनी हंसी उसमें। क्या उनका रोल था ना बिरजू की माँ का और बच्चों का और उनके बिरजू के पापा का, सबका बहुत जबरदस्त। बिल्कुल मैडम, सही कह रही हैं आप। तो कल जरूर आना, 9 बजे डेली क्लास होती है यार, आप लोग आया करो। देखो चाहे तो हम एक एक घंटे क्लास ले, पर हम बड़ी बड़ी इसलिए ले रहे हैं, रिवीजन भी कब हो जाए आपका, फिर भाव होता है कहानी ना, बड़ी बड़ी में खत्म हुई, क्या करे, कहानी भाव ऐसा है ना, जुड़ाव है, बड़ी थी। चेलों से जुड़ाव है यार, ऐसे थोड़ी ना होता, जुड़ाव है। अगर चाहते 2 पार्टों में कर लेते अपनों, क्या है, एक पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2, दैट्स इट, अपनों क्या दिक्कत थी।
पर एक साथ पढ़ाना था भाई, कर लेते हैं कुछ। हेमलता हंस रही है, हेमलता भी टिकी हुई है अभी तक यहाँ पर, गई नहीं, आपको फिट करके मानेंगे भाई। हेमलता मैडम तो फिटी है अब तो, मतलब आपको क्या है ऐसा, क्या लग रहा है? हमें तो फिटी लग रही है। कोई समस्या नहीं है, एकदम फिट हूँ। बस ये है कि मुझे 2-3 किलो वजन कम करना बस है। मेरा हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? 55 किलो होना चाहिए, 57 किलो। में तो अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर रहे हो बच्चों के सामने, है क्या हुआ, 57 किलो कोई ज्यादा थोड़ी ना है। अच्छा इसीलिए बता रही हो कि ज्यादा नहीं स्टार्टिंग में अरे तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाती थी तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी अपना, तो 65 किलो हो गया था, अभी कम हुआ, बहुत ध्यान रखा था। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब मैंने स्टार्टिंग में अकेडमी ज्वाइन किया था, मैं रात दिन पढ़ाता था, रात दिन एक कर दिया। और मैं अभी भी, मैं स्पेशल क्लास लेने में बहुत विश्वास रखता हूँ, स्पेशल क्लास बहुत ज़्यादा लेता हूँ। रात दिन पढ़ा, मेरा गला ना भारी हो गया। पहले एक वीडियो देखता हूँ तो लगता है बहुत भारी गला, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा कम किया, गर्म गर्म पानी पीना शुरू किया, देन उसके बाद में थोड़ी सी अब कंट्रोल हुआ मामला। चेला जितेंद्र कह रहा है, गुरुदेव और आचार्य मैडम जी, आप दोनों गुरुजनों को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, कृपा करें आप दोनों जाकर विश्राम कीजिए स्वास्थ्य के हाँ बिल्कुल। सही हाँ कहते यार, ये हो। बात भी सही है। और आशीष, आशीष ने क्या लिखा वो पढ़िए। गिरकर उठना सीखा है, आपका साथ मिला है, और आपके पढ़ाने के अंदाज से सबका वक्त बदलने वाला है। राह में वृक्ष हो भले खड़े, एक पंत छांव भी, मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ओ वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सर अब मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ। ठीक है मैडम, ना पधारिए, एक बच्चों का है आज की क्लास में। प्यारे साथियों, इस क्लास में जुड़ने के लिए, 5-6 नहीं, 5-7 है मेरी। हाँ प्यारे साथियों, इस क्लास में ओके जुड़ने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। कल 9 बजे जुड़ना मत भूलना, और 10 बजे, दिन में 10 बजे, अनअकैडमी स्पेशल क्लास में आना मत भूलना। मैडम जी, फिर से आपका बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। कल मिलते हैं, नींद आ रही मुझे। ओके साथियों, तब